بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنه قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه البخاري في باب فضل الجمعة. حضرات علماء کرام، بزرگو، دوستو، اس وقت آپ حضرات کے سامنے صحیح بخاری سے ایک حدیث پاک سامنے رکھی گئی ہے اور اس حدیث پاک کا انتخاب اس وقت دو وجہوں سے کیا گیا ہے. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جس آیت مبارکہ کو کل عنوان بنایا گیا تھا اور اس آیت مبارکہ کی روشنی میں جو بنیادی بات آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی تھی وہ ابھی تشنا تھی، نامکمل تھی. تو قاعدے میں تو چاہیے تھا کہ آج بھی اسی آیت کو عنوان بنایا جاتا، لیکن چونکہ اس حدیث مبارکہ میں کل کے عنوان کے تعلق سے اس کی تکمیلی باتوں کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، کل کا جو تشنا موضوع تھا اس سلسلے کی بعض اہم کڑیاں اس حدیث پاک میں موجود ہیں. اس لیے یوں سمجھئے کہ اس آیت مبارکہ کے ہی زیر عنوان اس حدیث پاک کا انتخاب کیا گیا ہے، اور اس حدیث کے انتخاب کی دوسری وجہ یہ ہے کہ کل کا دن جمعرات کا دن تھا،
और आज का दिन जुमे का दिन है। आज के बाबरकत दिन से इस हदीस पाक का गहरा ताल्लुक है। आज के दिन ही के सिलसिले में ये हदीस मुबारका है, इसलिए भी आज के दिन की बुनियाद पर इस हदीस का इंतखाब मौजू और मुनासिब समझा गया। आप पहले हदीस पाक का सादा सा तर्जमा समाज फरमा लें, उसके बाद बहुत सारी बातें जो इसके ताल्लुक से जहन में है उन्हें आपकी खिदमत में एक एक करके पेश करूंगा। बड़े मशहूर सहाबी सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु है और कसीरुल रिवायत सहाबी। हदीस के जखीरे को आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा हदीसों की रिवायत करने वाले सहाबी सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु है। इसलिए नहीं कि सहाबा में सबसे ज्यादा हदीसें हजरत अबू हुरैरा के पास थी, ऐसा नहीं है। रिवायतें हदीस की किताबों में हजरत अबू हुरैरा से ज्यादा हैं, हजरत अबू हुरैरा से भी ज्यादा बात दूसरे सहाबी के पास है। मसलन हजरत अब्दुल्लाह बिन आम्र बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हुमा एक दूसरे बड़े मालूफ मशहूर सहाबी। हजरत अब्दुल्लाह इबन आम्र इबन आस के पास हजरत अबू हुरैरा से ज्यादा हदीसें हैं, हदीसों का इल्म उनको ज्यादा है, हदीस का जखीरा उनके पास ज्यादा है, लेकिन हदीस की किताबों में रिवायत हजरत अबू हुरैरा से ज्यादा है और हजरत अब्दुल्लाह इब्न आम्र इब्न आस से कम है। ये मेरे बताने की बात नहीं है, खुद हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इकरार किया है। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि सहाबा में मुझसे ज्यादा हदीसें हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अम्र इब्न आस के पास। हजरत अबू हुरैरा खुद शहादत दे रहे हैं और उसकी वजह भी हजरत अबू हुरैरा ही बयान करते हैं। फरमाते हैं इसकी वजह यह है कि मैं हदीसों को लिखता नहीं था, मैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुछ सुनता था वो अपने हाफिजे में महफूज कर लेता था, उसे याद कर लेता था और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत से सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु का हाफजा भी बहुत ही आला दर्जे का था। शुरू शुरू में तो कैफियत ये थी कि बातें याद नहीं रहती थी, सुना और कुछ दिन के बाद भूल गए। तो इन्होंने जनाब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक रोज शिकायत की, अल्लाह के रसूल मुझे निसियान की बीमारी है, भूल जाने का मर्ज है, बातें याद नहीं रहती हैं, जब्त नहीं कर पाता हूं, महफूज नहीं कर पाता हूं, अल्फाज ज़हन में महफूज नहीं हो पाते हैं, मजामीन नहीं बाकी रहते हैं ज़हन में, भूल जाता हूं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू हुरैरा चादर फैलाओ। ये वाकया भी सही बुखारी में है। हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा चादर अपनी फैला दो, तो सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला उन्होंने चादर फैला दी और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर कुछ फूंक दिया, दम मार दिया, कुछ पढ़ दिया और उस चादर को समेट कर अबू हुरैरा के सीने पर मार दिया।
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد سے میرے حافظے نے ترقی کرنا شروع کیا اور پھر مجھے باتیں یاد رہنے لگیں۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف حافظے پر کام لیتے تھے، حافظے سے کام لیتے تھے، لکھتے نہیں تھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص لکھ بھی لیتے تھے اور یاد بھی کر لیتے تھے۔ انہوں نے دونوں انتظام کر رکھا تھا، یاد بھی کرتے تھے اور لکھ بھی لیتے تھے۔ تو لکھ لینے کی وجہ سے ان کے پاس ذخیرہ حدیث کا زیادہ رہا، اور میرے پاس تو صرف اتنا ہی ہے کہ جتنا میرے حافظے میں ہے، لکھا ہوا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص کے پاس حدیثیں زیادہ ہیں، لیکن آج حدیث کی کتابوں میں روایت زیادہ کس سے ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ اس سے ایک مسئلہ حل ہوا، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس وقت حدیث کی کتابوں میں جن سے روایتیں زیادہ ملتی ہوں اس سے کوئی ہرگز یہ نہ فیصلہ کر لے کہ جن سے روایتیں حدیث کی کتابوں میں نہیں ہیں ان کے پاس حدیثیں بھی نہیں تھی، حدیث کا علم بھی نہیں تھا۔ روایتوں کا کثرت سے پھیل جانا اس کی بنیاد کثرت علم نہیں ہے، مواقع، حالات اور ان کی مشغولیت کا اس میں دخل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص کے پاس حدیثیں زیادہ ہیں لیکن آج روایتیں حدیث میں ان سے کم ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حدیثوں کا ذخیرہ کم ہے لیکن حدیث کی کتابوں میں آج روایتیں ان سے زیادہ ہیں۔ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں ہی رہے، مدینہ کے باہر جا کر کہیں سکونت اختیار نہیں کی، اور مدینہ مرکز اسلام ہے، جو ایمان لائے گا وہ مدینہ کا رخ کرے گا۔ مدینہ مرکز اسلام ہے تو اسلام کا علم وہاں زیادہ ہے، اسلام کا چرچا وہاں زیادہ ہے، اسلام عملی زندگی میں وہاں آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے، تو پھر ایمان والے رخ کریں گے اسلام کے علم کے لیے کس کا؟ مدینے کا۔ تو مرکز اسلام میں رہنے کی وجہ سے ان کے شاگردوں کا حلقہ بڑا ہو گیا، مدینے آنے والے سب کے سب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فیض پا رہے ہیں، ان سے علم حاصل کر رہے ہیں، ان سے حدیثیں لے رہے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص نے مرکز اسلام چھوڑ دیا ہے، ان کا ذوق، ان کے حالات کچھ ایسے بنے کہ مدینہ منورہ کے باہر جانا پڑا ان کو، جا کر مصر میں، شام میں سفر کیا، جہاد میں زیادہ رہتے تھے تو مرکز اسلام سے دوری انہوں نے اختیار کر لی، تو طالبین ان کے پاس کم آئے، شاگردوں کا حلقہ کم، تو ان سے روایتیں پھیل نہیں پائی۔ علم زیادہ ہے لیکن حالات کچھ ایسے بنے ہیں کہ ان سے روایتیں زیادہ نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو موقع حضور کی خدمت میں رہنے کا کتنا ملا ہے؟ یہ تو سن 7 ہجری میں ایمان لائے، 7 ہجری میں ایمان لائے تو کل زمانہ ان کو 3 سال کا ملا ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی کرم اللہ وجہ، یہ تو ابتدائی نبوت سے 7 ہے، لیکن اس کے باوجود روایتیں ان سے آج کم مل رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص بھی، یہ بھی اسلام میں سبقت رکھتے، پہلے پہل جنہوں نے اسلام کی طرف قدم بڑھایا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی نبوت میں جن لوگوں نے ایمان لایا ہے ان میں سے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص بھی ہیں، حتیٰ کہ اپنے والد سے پہلے ایمان لائے،
इनके वालिद आमिर इब्नुल आस भी सहाबी हैं, लेकिन उलमा लिखते हैं कि अब्दुल्लाह का जो दर्जा है इल्म में, फजल में और कमाल में, वो इनके वालिद का मकाम नहीं है। वालिद ईमान बाद में लाए और बेटा ईमान पहले लाया, और वालिद का ईमान लाने के बाद भी वो जौक नहीं था जो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अम्र इब्ने आस का जौक था। वालिद से ज्यादा इनका जौक इबादत रियादत का था। ये वो सहाबी है पूरी पूरी रात इबादत में, पूरी पूरी रात, यहां तक के बीवी ने शिकायत किया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कि ये तो रात भर पूरी नफिल में रहते हैं, इबादत में रहते हैं, हमारी तरफ तो तवज्जो भी नहीं करते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें समझाया, अब्दुल्लाह इबादत करो लेकिन हर एक का हक अदा होना चाहिए। देखो इतना ज्यादा नहीं, इतना ज्यादा नहीं कि सेहत मुतासिर हो जाए। इन्ना लिनफ्सिका अलैका हक्कन वलिज़ौजिका अलैका हक्कन, तुम्हारी जान का तुम्हारे ऊपर हक है, तुम्हारी बीवी का तुम्हारे ऊपर हक है, सारे हुकूक की रियायत करते हुए और फिर इबादत में इन्हें मां को इस्तिकराक होना चाहिए। ये क्या कि अपनी जान के लिए भी मुसीबत बना दो इबादत को। अगर इतनी कसरत से रातों को जागोगे और इबादत करोगे सेहत मुतासिर हो जाएगी, बीवी का हक जो है वो भी जाया होगा। तो जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें समझाया इतनी कसरत से इबादत करने वाले। और उम्र में भी बाप से बहुत थोड़े कम थे, बाप और बेटे की उम्र में कुल 12 साल का फर्क था। बाप 12 साल उम्र में बड़े और बेटे 12 साल उम्र में छोटे थे। तो इल्म में भी और फजल में भी, कमाल में भी, सबकत इस्लाम भी इन्हें हासिल, इबादत रियायत दो तकवा, हर तरह से ये अपने बाप से बड़े हुए थे। और सहाबियत का शरफ इनको भी हासिल था, बाप को भी हासिल था। तो अर्ज ये कर रहा था कि हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अम्र इब्ने आस के पास हदीसों का जखीरा ज्यादा है, हदीसों का इल्म इनके पास ज्यादा है। हजरत अबू हुरैरा कम है इनके मुकाबले में, लेकिन आज हदीस की किताबों में रिवायतें हजरत अबू हुरैरा की ज्यादा है और अब्दुल्लाह इब्ने अम्र इब्ने आस की कम है। इससे ये बात समझ में आई कि जो लोग इस किस्म की गलत फहमियां फैलाते हैं और जो लोग जानते हुए इल्म रखते हुए भी और इस हकीकत को समझते हुए भी कि रिवायतें अगर किसी से किताबों में ज्यादा नहीं है तो ये हरगिज हरगिज दलील नहीं है कि उस फन में उसको कमाल नहीं था या उसके पास इस फन का इल्म नहीं था। अब लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह तो हदीस जानते ही नहीं थे, उनके पास हदीस है क्या? कुल 17 हदीस। ऐसे फसादी और गलत लोगों से हम कहते हैं ये 17 भी तुम ही घर ले जाओ, हम इसके भी मोहताज नहीं है, तुमको ज्यादा जरूरत है तो ये 17 भी तुम ही ले जाओ। सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास हदीसों का इतना बड़ा जखीरा, इतना बड़ा जखीरा है कि बड़े बड़े जो मुहद्दिसीन हैं वो सब के सब सैयदना इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के इल्मे हदीस में मोहताज हैं, शागिर्दों के शागिर्दों के शागिर्द हैं। इमाम अबू हनीफा के शागिर्दों के शागिर्दों के शागिर्द हैं। अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस सैयदना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह शागिर्द है इमाम अहमद इब्ने हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद इब्ने हम्बल रहमतुल्लाह अलैह शागिर्द है इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह शागिर्द है इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के, और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह शागिर्द है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। जो इल्म हदीस का ताजदार है
वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का शागिर्द नहीं, शागिर्द के शागिर्द के शागिर्द का शागिर्द है। उस जमाना तदवीन हदीस का नहीं था, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का जो दौर है वो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मुकाबले में 100 साल पहले का दौर है। सैयदना इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का की पैदाइश होती है 80 हिजरी में और इंतकाल होता है 150 हिजरी में। 150 हिजरी में इमाम अबू हनीफा का इंतकाल हुआ, अभी इमाम बुखारी पैदा भी नहीं हुए। इनकी पैदाइश है 192 हिजरी की। अब 192 हिजरी में ये पैदा हुए तो इन्होंने पैदा होते ही तो सफर करना शुरू नहीं कर दिया, असाध्या के पास नहीं जाने, कुछ तो उम्र होनी चाहिए ना, 5 साल 10 साल 20 साल के बाद ही तो अब घर से बाहर निकलेंगे। और जहां जहां बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं और जहां इल्म हदीस का चर्चा है वहां जाएंगे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इल्म हदीस के हुसूल के लिए बहुत सफर किया, मशक्कतें बर्दाश्त की, इराक भी गए, हिजाज भी गए, मक्के गए, मदीने गए। खुद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने दर दर की खाक छानी है इस इल्म के हासिल करने के लिए। जहां मुझे मालूम होता कि फला आलिम के पास हदीसें हैं तो मैं सफर करके वहां जाता और हदीसें उससे हासिल करता। मैं इराक गया हूं, मैं मदीने गया हूं, मैं मक्के गया हूं। और फरमाते हैं वला उहसी कम दखलतुल कूफता, ये अल्फाज इमाम बुखारी के हैं। और मैं शुमार नहीं कर सकता कि इल्म हदीस के हासिल करने के लिए कितनी मर्तबा मुझे कूफा जाना पड़ा। और आपको मालूम है कूफा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का शहर है। इमाम बुखारी के जमाने तक सबसे ज्यादा हदीसों का चर्चा और सबसे ज्यादा इल्म हदीस कहां था? कूफे में था। उस दौर में मक्के में भी उतना इल्म हदीस नहीं था, मदीने में भी उतना इल्म हदीस नहीं था, बल्कि इल्म हदीस का जखीरा कहां था इमाम बुखारी के जमाने में? कूफे में था। और उसकी वजह क्या थी? आप सब जानते हो कि खिलाफत राशिदा का आखिरी दौर कूफे में गुजरा। सिद्दीक अकबर के जमाने में इस्लाम का दारुस सल्तनत और इस्लाम की राजधानी कहां थी? मदीने में थी। फारूक आजम के जमाने में मदीने में थी और सैयदना उस्मान गनी के जमाने में रजी अल्लाह तआला अन्हुम, इन सब के जमाने में तीनों खिलाफत में दारुस सल्तनत और मरकज इस्लाम कहां था? मदीना था। लेकिन सैयदना अली करम अल्लाह वजह ने अपने दौर में मरकज इस्लाम किसे बनाया? कूफे को बनाया। बास वजूह की वजह से दारुस सल्तनत मदीने से हटाकर कूफे को राजधानी बनाया। और कूफे में हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत फारूक आजम के जमाने ही से भेज दिए गए थे इल्म दीन सिखाने के लिए। कूफे वालों के मुतालबे पर हजरत उमर ने मुअल्लिम बनाकर हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद को वहां भेजा था। और भेजते हुए कूफे वालों को लिखा वलकद आसरतुकुम अला नफसी, कूफे वालों तुम बड़े खुश नसीब हो जिसके इल्म के हम लोग मोहताज हैं, मदीने वाले मोहताज हैं। उमर जिसके इल्म का मोहताज है, उमर ने अपने ऊपर तुमको तरजीह देकर अब्दुल्लाह इब्ने मसूद को भेज दिया। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद पहले ही से वहां इल्म का गुलगुला बुलंद किए हुए हैं, वहां हदीसों की इशात हो रही है। और अब तो मरकज भी इस्लाम का बन गया और जहां दारुस सल्तनत होता है, जहां राजधानी होती है, वहां दूसरे शहरों से अहले इल्म और फजल सिमट कर आते हैं। इसलिए तबकात इब्ने साद में लिखा है कि 70 बदरी सहाबा ने कूफे में आकर मकान बना लिया था और 300 के लगभग बयाते रिजवान वाले साहब कूफा मुंतकिल हो गए थे। तो सैयदना अली करमल्लाह वजह की बुनियाद पर
जो बड़े बड़े इल्म व फजल वाले बचे हुए सहाबा थे उस दौर में, वो सारे के सारे मुंतकिल होकर किधर आ रहे हैं? कूफे की तरफ। और हजरत अली की खिलाफत का दौर ये खिलाफत राशिदा का आखिरी दौर है। हजरत अली की खिलाफत का दौर खत्म होता है तो कूफे में अभी सहाबा की बड़ी तादाद मौजूद है, बसरे में हजरत अनस मौजूद है और बड़े बड़े अकाबिर सहाबा हैं। और हजरत अली का दौर खत्म होता है और हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश होती है, दोनों में कितना फासला है। अभी उस दौर के सारे लोग कूफे के मर तो नहीं गए थे, वो लोग अभी जिंदा है, मौजूद है, वो नस्ल बाकी है, वो कर्म बाकी है जो हजरत अली के पीछे नमाज पढ़ रही थी, जिसने कूफे की नमाजों को देखा था, जिन्होंने कसीर तादाद सहाबा की नमाज पढ़ते हुए पाई थी, उनको नमाजों को देखा था, नमाज के मसाइल को देखा था, नमाज की हदीसों का चर्चा था, तो ये चर्चा उलूस पर पहुंचा। हदीस की किताबों को उठाकर देखो, जितने बड़े बड़े अकाबिर मुहद्दिसीन हैं उनका वतन कूफा है। बुखारी को उठाकर देखो, कम से कम बुखारी शरीफ में कम से कम 300 रावी कूफे के हैं। और बार बार बुखारी में तो हदीसें ऐसी हैं कि उन हदीस की सनद में आने वाले टोटल रावी कूफे ही के हैं, कूफे ही के बाशिंदे। इसलिए इमाम बुखारी के जब शबाब का जमाना आया और हुसूल इल्म का जमाना आया तो हदीस की तलाश में और इल्म हदीस के हासिल करने के लिए इराक भी गए, नैशापुर भी गए और मक्के भी गए, मदीने भी गए। और कूफे के बारे में बताते हैं कि मैं तो किसी शहर में एक बार दो बार सफर करके गया, लेकिन कूफा वो शहर है, ला ओसी कम दखल तुल कूफा था, मैं शुमार करके नहीं बता सकता कि कितनी मरतबा मुझको इल्म हदीस के हासिल करने के लिए कूफा सफर करना पड़ा। अब कूफे वाले के पास हदीस का इल्म ही नहीं है और इस तालिब इल्म के पास सारा जखीरा आ गया। असल बात यह है कि वो जमाना तदवीन हदीस का नहीं था, हदीस के मौजू पर किताबें नहीं लिखी जा रही थी, हदीसों की इशार शक्ल में किताब के नहीं हो रही थी, बल्कि हदीसों का चर्चा अमली जिंदगी के अंदर था। हदीसें अमल में थी और हाफजे में थी, कौन से इशात होती थी, ज्यादातर लोग हाफजे से काम लेते थे और वो जमाना था तदवीन फिका। इसलिए कि हदीसों के अंदर जो मसाइल हैं वो महदूद हैं, कल भी मैंने अर्ज किया था, और इंसानी जिंदगी के अंदर जो हालात पेश आने वाले हैं वो लामहदूद हैं। तो जैसे जैसे इस्लाम का दायरा वसी होता गया, अजम में फैला और दूसरे नए नए शहरों में इस्लाम गया, तो तरह तरह के सवालात और हालात सामने आने लगे, ऐसी ऐसी सूरतें सामने आई जो इसके पहले कभी पेश नहीं आई थी। मसलन हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु शाम में है, हुजूर के जमाने में तो अभी शाम में तो इस्लाम नहीं फैला है, यहां तक इस्लाम का काफिला अभी दाखिल नहीं हुआ, लेकिन अब हालात बदले और इस्लाम का दायरा वसी हुआ तो शाम में हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु है और कूफे में इराक में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। दोनों में आपस में कुछ इख्तिलाफ पैदा हुआ, वो हल्का उनके जेर असर रहा और हजरत अली के जेर असर ये हल्का रहा। अब एक अजीब हादसा पेश आया शाम में, जो आज से पहले हुजूर के जमाने तक पेश नहीं आया था। शाम में एक शख्स का इंतकाल हो गया, इंतकाल हो गया तो उसने एक ऐसी औलाद छोड़ी कि उस तरह की औलाद इसके पहले किसी के पास थी नहीं। एक आदमी का इंतकाल हुआ तो उसके वारिसों में एक वारिस ऐसा था कि जो लड़की भी है लड़का भी है, उसके पास मर्द का उज्व भी है और औरत का उज्र भी। अब मसला खड़ा हुआ,
हजरत माविया के पास सवाल आया कि भाई जो लड़का है वो तो लड़का है, जो लड़की है वो लड़की है, लड़की को लड़के के मुकाबले में आधा हिस्सा मिलेगा विरासत का तरीके का, और लड़के को लड़की का दूना मिलेगा, लेकिन जो ऐसी मखलूक है कि लड़का भी है लड़की भी है उसको क्या मिलेगा। अब ऐसी शक्ल तो हुजूर के जमाने में पेश आई नहीं थी, अब नई शक्ल पेश आई, एक ऐसा बच्चा है कि लड़की भी है लड़का भी है, खुनसा मुश्किल जिसे कहते हैं। अब एक नया सवाल सामने आया तो अब हदीस में तलाश करेंगे मिलेगा। हजरत माविया रजी अल्लाह ताला उन्होंने समझा कि शायद मेरे इल्म में न हो, दूसरे साहबी से मालूम करें, तो शाम में भी तो हजरत माविया के साथ बहुत सारे सहाबा हैं। हजरत माविया ने उनको बुलाया, उनको बुलाया, उनको बुलाया, उनको बुलाया, सबसे पूछा कि भाई तुम्हारे इल्म में इसका कोई शरी हुक्म है, कोई ऐसा मसला हुजूर के सामने आया हो और हुजूर ने फैसला किया हो, सिद्दीक अकबर के समाज सामने आया हो उन्होंने कोई फैसला किया हो, फारूक आजम के जमाने में ऐसा हादसा पेश आया उन्होंने फैसला किया हो, या हजरत उस्मान गनी के दौर में कोई ऐसा हादसा पेश आया उन्होंने फैसला किया हो, तो बताओ, तो इसको मसला बताया जाए, इसका हल बताया जाए कि उसको ये तड़का दिया जाएगा लड़की का हिस्सा या लड़के का हिस्सा। अब जितने हजरत माविया के साथ साहबी थे सबों ने कहा इसका हुक्म नहीं मालूम, ऐसी सूरत हाल तो कभी पेश आई नहीं थी, हमें नहीं मालूम कि इस बच्चे को कौन सा हिस्सा मिलेगा, लड़की का मिलेगा कि लड़के का मिलेगा। अब हजरत माविया सख्त हैरान है कि सवाल करने वाले को जवाब क्या दिया जाए, यहां तो कोई जानते ही नहीं ये मसला। तो एक साहबी ने कहा हुजूर इस रूए जमीन पर इसका जवाब कोई दूसरा नहीं दे सकता है सिवाय हजरत अली के, वही इस मसले को हल करेंगे। और सहाबा के जमाने में सैयदना अली करम अल्लाह वजहो मुश्किल मसाइल और पेचीदा मसाइल को चुटकियों में हल करते थे, इसलिए सहाबा कहा करते थे कि मसला तो पेचीदा है लेकिन अफसोस इसको हल करने वाला अली नहीं रहा, अबुल हसन नहीं रहे, कजियतुल वला अबा हसन इल्लाह, आज उलझे हुए मसाइल तो हैं, इल्म की गुत्थियां तो हैं, लेकिन अफसोस जो चुटकियों में इसको सुलझा दिया करता था आज हमारे दरमियान वो नहीं है। हजरत उमर ने बारहा इतराब किया लौला अलीयुल्लाह लका उमर, अगर अली ना होते इस वक्त तो मैं तो तबाह हो जाता, मैंने तो ऐसा फैसला कर लिया था इसमें तो हमारे लिए मुसीबत पैदा हो जाती और क़यामत में जवाबदेही होती, मैं माखूज हो जाता। हजरत अली ने उन मसाइल को हल किया। हजरत अली करम अल्लाह वजहों के सिवा दूसरा कोई नहीं था ऐसे मसाइल को हल करने वाला। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था वअक़ज़ाहुम अली, मेरे सहाबा में सबसे ज्यादा कुव्वत फैसला और मामले की तह में पहुंचने की लियाकत और सलाहियत अल्लाह ने हजरत अली करम अल्लाह वजहों को अता फरमाई। तो हजरत माविया को दूसरों ने बताया कि अगर आप इस मसले का शरई जवाब चाहते हैं तो हमारे इल्म में कोई सहाबी ऐसा नहीं है जो इसका जवाब दे, ये गुत्थी सुलझाएंगे तो हजरत अली सुलझाएंगे। और हजरत अली से और हजरत माविया से तो इतनी अनबन है कि दोनों एक दूसरे के मुकाबले पर तलवार लिए हुए, फौजें एक दूसरे के मुकाबले पर लिए हुए, लेकिन ये सहाबा हैं। सहाबे किराम के इखलास का ये हाल है कि चाहे कितनों ही इख्तिलाफ क्यों ना हो आपस में, लेकिन जब दीन का मामला है, शरी मामला है, तो वहां सारे इख्तिलाफात अपनी जगह पर हैं, वहां कोई चीज रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती है। हजरत माविया रजी अल्लाह ताला उन्होंने फौरन एक छोटा सा पुर्जा, कितना बड़ा पुर्जा अब मैं बताऊंगा आपको, अल्लामा बिलादरी लिखते हैं कान्नहु उज़नुल फ़ारा, इतना बड़ा पुर्जा लिखा जैसे चूहे का कान, चूहे के कान भर का पुर्जा लिखकर उस पर सवाल लिखकर हजरत अली के पास भेजा। सैयदना अली करम अल्लाह वजहो
ने उससे भी छोटा सा पर्चा, अगर मैं कहूं कि वो चूहे के कान के बराबर था तो ये मक्खी के पर के बराबर था, जवाब लिखकर भेज दिया। यहां से सवाल गया कि एक बच्चा ऐसा है मरहूम की औलाद में कि उसको लड़की के भी उज्व है और लड़के का भी उज्व है, वो लड़की भी है लड़का भी है, तो उसको कौन सा हिस्सा मिलेगा तरके में से, लड़की वाला मिलेगा कि लड़के वाला मिलेगा? तो हजरत अली करमल्ला वजह ने वहां से लिखा इरसुहू मिम्मा बाली। मुहद्दिस अपनी किताब में सुनन सईद इब्ने मंसूर में नकल करते हैं कि हजरत अली का जवाब इन अल्फाज में आया इरसुहू मिम्मा बाली, उसका तड़का उसके पेशाब के रास्ते से दिया जाएगा। हम लोग मसला तो क्या हल करते, हम लोग तो उसके अल्फाज से उसकी मुराद भी नहीं समझ पाए। जवाब दे दिया ना हजरत अली ने, सुना दिया आपको, इस बच्चे का तड़का इसके पेशाब के रास्ते से दिया जाएगा। समझ गए होंगे आप, मतलब समझ में आ गया। हजरत अली ने जवाब लिखा, हजरत माविया, ये भी कमाल है कि लिखने वाला इतना बड़ा है तो उसको समझने वाला देखो कितना बड़ा है, अच्छे अच्छे मतलब समझ नहीं पाएंगे। हजरत माविया के पास जवाब आया और उन्होंने बहुत शुक्र अदा किया, अल्लाह आपके बंदे ने ये मसला हल कर दिया, परेशानी दूर कर दी, हम तो सारे के सारे शाम वाले सिलेंडर थे, सब लाजवाब थे, जवाब मिल गया। हजरत अली ने जवाब दिया उसका तड़का उसका हिस्सा विरासत का उसके पेशाब के रास्ते से दिया जाएगा, यानी लड़की का भी उज़्व उसके पास है और लड़का भी है, दोनों उज़्व है, तो जिस रास्ते से पेशाब करता है वही माना जाएगा उसको। अगर लड़की वाले रास्ते से पेशाब करता है तो लड़की का हिस्सा दिया जाएगा, और लड़के वाले रास्ते से पेशाब करता है तो लड़के वाला हिस्सा दिया जाएगा। ये मतलब तो बात कहां से कहां निकल गई। मैं याद कर रहा था कि हालात जिंदगी में कैसे पेश आने वाले हैं, जैसे दुनिया आगे भी नई नई शक्लें सामने आएंगी, नए नए पहलू इंसानी जिंदगी में सामने आएंगे। तो अब तो एक शक्ल ये है कि जितने पहलू नए सामने आ रहे हैं वहां इस्लाम क्या कहता है ये बताओ, और या ये कहो कि इस्लाम इस बारे में कोई नजरिया ही नहीं रखता, कुछ है ही नहीं है। तो हदीस और कुरान में जो मसाइल सराहत से आए हैं वो तो महदूद हैं, नसूस में जो मसाइल आए हैं वो उस जमाने के हालात के लिहाज से उसका हल मौजूद है। तो इंसानी मसाइल और इंसानी हालात पेश कैसे कैसे आएंगे ये इसकी तो कोई हद नहीं है, लामहदूद है। तो मसाइल लामहदूद है और पूरी जिंदगी के सारे मसाइल को इस्लाम हल करता है, ये आखिरी दीन है, किसी दूसरी की तरफ दूसरे की तरफ ये हाथ नहीं फैलाता है। तो जरूरत पेश आती है कि कुव्वत इज्तिहाद से काम लिया जाए, उन मसाइल को निकालेंगे तो उन्हीं नसूस से निकलेंगे, तो कुरान और सुन्नत ही से, लेकिन कुरान और सुन्नत से निकाल लेना ये हर एक की बात नहीं है, ये है तफक्कुह, ये है कुव्वते इज्तिहाद, इसे कहते हैं दीन की सूझबूझ, इसे कहते हैं इल्म की बसीरत। अल्लाह के पाक हबीब सरवरे कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में भी ये सलाहियतें सब में बराबर नहीं थी, अंबिया में भी ये सलाहियतें सब में बराबर नहीं थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने तारीफ की फफहमनाहा सुलेमान, हमने ये सूझबूझ ये फहम सुलेमान अलैहिस्सलाम को दे रखी थी। हजरत दाऊद दूसरे मामले में बहुत सारी दूसरी खूबियां उनके अंदर भी थी, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसी खुश आवाजी ऐसा लहन दिया था कि वो जबूर पढ़ते तो उड़ते हुए परिंदे आवाज सुनकर थम जाते रुक जाते, और वो अल्लाह का जिक्र तस्बीह करते तो लोगों के कुलूब क्या पत्थरों के दिल हिल जाते थे।
पहाड़ों से आवाज आने लगती थी, परिंदे उनके साथ हो जाते थे तस्बीह में। अल्लाह ने उनमें सलाहियत दी थी, लोहा हाथ में आया तो दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में आने के बाद मोम की तरह हो रहा है, जैसे चाहते उसको बना देते, इस्तेमाल करते। ये खूबी अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम में नहीं रखी थी। तो अल्लाह तबारक व तआला फजीलतें और कमालात तकसीम करते रहते और उसकी तकसीम की मसलियत वही जानता है, उसी को मालूम है क्या मसलियत है। किसी बंदे को कोई कमाल दे दिया, किसी को अल्लाह ने कोई खूबी दे दी, किसी को अल्लाह तबारक व तआला ने किसी और कमाल से नवाज दिया। जिन अफराद को अल्लाह की तरफ से ये बसीरत मिलती है वो बड़े मिसाली अफराद होते हैं और उम्मत उनकी मोहताज होती, उम्मत पर उनके एहसानात होते। मैं ये अर्ज कर रहा था कि सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो इस हदीस पाक के रावी हैं, रिवायतें उनसे बहुत ज्यादा हैं, लेकिन कोई ये न समझे कि इल्म हदीस इन्हीं के पास ज्यादा है, हदीस का जखीरा इनके पास ज्यादा है। अब आगे बढ़ो तो जमा सुनो। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन इख्तसल यौमल जुमअति गुस्लल जिनाबत, जिस आदमी ने जुमे के रोज जिनाबत का गुस्ल किया, नापाक हुआ, अपनी बीवी से हमबिस्तरी किया, नापाक हुआ और उसने गुस्ल किया। उलमा ने इस हदीस से यह मसला भी निकाला है कि जुमे की रात को अपनी औरत से हमबिस्तर करना यह जुमे के फजाइल में आया है, मुस्तहब है, बेहतर है। जनाब सरवरी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां उसी बुनियाद पर गुस्ल के अंदर गुस्ले जनाबत की कैद लगाई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आदमी नापाक न हुआ हो, पहले से नापाक नहीं है, वो जुमे के रोज गुस्ल न करे, ये कैद इसलिए नहीं है, बल्कि ये कैद सिर्फ इस तरगीब और इशारे के लिए है कि आज के दिन ये काम भी हो। तो जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस आदमी ने नापाकी का गुस्ल किया जुमे के दिन वराहा और मस्जिद चला गया, अभी ज़िवाल का वक्त हुआ है, अभी जुमे का वक्त शुरू हुआ है, नमाज में तो भी बहुत टाइम है, ज़िवाल के फौरन ही बात तो नहीं अजान हो जाएगी, जमात खड़ी हो जाएगी, अभी तो कई घंटे देर है। लेकिन इस शख्स ने बिल्कुल अव्वली वक्त में मस्जिद दाखिल हो गया, पहुंच गया। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते का अन्नमा कल्लब बुदनतन, इसको इतना सवाब मिलेगा जैसे इसने एक ऊंट की कुर्बानी की, एक ऊंट की कुर्बानी के बराबर सवाब इसे मिलेगा। दूसरी हदीस में आया कि ये सवाब का इंदिराज और आने वालों का इंदिराज फरिश्ते मस्जिदों के दरवाजे पर करते रहते हैं, जब ज़िवाल का वक्त होता है मस्जिद के दरवाजे पर फरिश्ते रजिस्टर लेकर पहुंच जाते और सबसे पहले आने वाले का नाम उन्होंने नोट किया, ये पहले आया है, अव्वल वक्त में आया है। तो जाहिर है अब जाएगा तो जुमा पढ़ने के बाद, तो ज्यादा इसका टाइम लगेगा, ज्यादा वक्त इसका मस्जिद में गुजरेगा, अल्लाह की याद में इसने अपना वक्त ज्यादा लगाया तो सवाब भी तो इसे ज्यादा मिलना चाहिए। तो फरिश्ते इसके हक में लिखते हैं कि इसको एक ऊंट की कुर्बानी का सवाब मिलेगा। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ऊंट की कुर्बानी का उसका सवाब मिलता है। वमन राह फिस्सातिस्तानिया, इन अफराद के बाद जो शुरू में आए, इसके बाद दूसरे नंबर पर दूसरी घड़ी में दूसरे घंटे में जो लोग आए बाद वाले, उनको इसके बराबर सवाब नहीं मिलेगा, इसलिए कि आए तो हैं बाद में लेकिन लौटेंगे तो ये भी जुमा पढ़कर, तो कम इनका टाइम लगा, ये कम वक्त लेकर के मस्जिद में आए तो सवाब भी इनका कम होना चाहिए। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते फका अल्लमा कल्लब बकलतन, इसको सवाब इतना मिलेगा कि जैसे इसने
एक गाय की कुर्बानी अल्लाह के रास्ते में की हो, ऊंट के बराबर नहीं मिलेगा, उससे कम जानवर, उससे छोटे जानवर की कुर्बानी का सवाब मिलेगा। वमन राहा फिस्साअति सालिसा, और बुखारी के अल्फाज हैं, और तीसरे नंबर पर जो लोग आए, तीसरी घड़ी में जो लोग आए, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनको सवाब कितना मिलेगा, कान्नामा कल्लबा कबीशन अकलना, जैसे इसने सींग वाला एक मेंढा कुर्बान किया, ये उससे भी छोटा जानवर, इसकी कुर्बानी का सवाब इसे मिलेगा। वमन राह फिस्साअति राबिअति, और चौथे नंबर पर जो लोग आए तो ये और लेट से आए, इन्होंने और कम वक्त लगाया तो इनको और कम सवाब मिलेगा। फकअन्नमा कल्लबा दजाजतन, इसको इतना सवाब मिलेगा जैसे इसने कुर्बानी की हो एक मुर्गे की, एक मुर्गी की कुर्बानी का सवाब मिलेगा। वमन राह फिस्साअति खामिसा, अब पांचवें नंबर पर जो लोग आए इनको इतना सवाब मिलेगा जैसे एक अंडे की कुर्बानी की। अब भाई इतने देर देर से लोग आ रहे हैं तो अब तो इमाम साहब के भी आने का टाइम हो गया ना, जुमा है ना, खतीब आएगा, इमाम आएगा खुतबे के लिए, तो जनाब सरवरी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फैजा खरज अल इमाम हज़रत अल मलाइका, और एक रिवायत में आया तब्बूसु हुफाउम, जब इमाम आ गया मिंबर पर तो अब फरिश्ते दरवाजा छोड़कर मस्जिद में वो भी हाजिर हो जाते हैं, और एक रिवायत में आया वो अपना रजिस्टर लपेट कर कार्रवाई बंद कर देते हैं, अंदर आ गए। अब फरिश्ते आकर अब क्या करते हैं, यस्तमेऊना ज़िक्रा, खुतबा सुनते हैं, अब अपना काम छोड़ देते हैं, अपनी मसरूफियात सब खत्म कर देते हैं, लोगों के आमाल का इंदिराज भी खत्म कर दिया, अब वो आकर खामोश बाअदब खुतबे की समाअत में लग गए। ये तो हदीस पाक का तर्जमा है। अब इस हदीस पाक में देखो कि कैसे कैसे इल्म के मोतियों को निकालने वालों ने निकाला इसकी तार से, यहां तक हमारी आपकी रसाई नहीं है, हमारा आपका ज़हन नहीं काम कर सकता, मसाइल निकाल लिए। कुछ लोगों ने तो आज के दौर में निकाला, इस वक्त भी तो मुज्तहिद लोग हैं, डायरेक्ट हदीस से मसला निकालते। कलकत्ते के करीब एक जगह है हथियारा, वहां बड़े बड़े उलमा रहते हैं, खानकाह है। तो एक मरतबा ऐसा हादसा हुआ कि वहां खानकाह के मौली साहब ने, पीर साहब ने फतवा दे दिया कि कोई मुसलमान गरीब है, उसमें इतनी इस्तेताअत नहीं है कि बकरा खरीद सके, तो वो अगर चाहे तो मुर्गी की भी कुर्बानी कर दे बकरा ईद में तो चलेगा, मुर्गी की कुर्बानी भी जायज। अब पूछना नहीं है, आज तक किसी मुसलमान ने सुना नहीं था ऐसा, किसी किताब में देखा नहीं था कि मुर्गी की भी कुर्बानी हो जाएगी। आलिमों से पूछना शुरू किया, आलिमों ने कहा भाई किसी इमाम के नजदीक कुर्बानी मुर्गी की नहीं होने की है, नए इमाम शाफी के यहां होगी, नए इमाम अहमद इब्ने हंबल के यहां होगी, नए इमाम मालिक के यहां, हनफी मसलक में भी किसी मसलक में नहीं, मुर्गी की कुर्बानी कैसे हो जाएगी। इनसे पूछा, उनसे पूछा, अब सारे आलिमों से पूछा, कोई भी कहता है कि सही नहीं, और वो भी आलिम ही है, पीर भी है, इतनी बड़ी खानकाह के सरजादा नजीन, उन्होंने जायज कर दिया। रही रह के शोर हंगामा हैजान पैदा हुआ, लोग उनके पास गए, कहा हुजूर ये कैसा मसलक आपने बता दिया, किस इमाम का मसलक है। उन्होंने कहा इमाम क्या होता है, इमाम का अल्लाह रसूल से टकरा सकता है, अल्लाह के नबी का फतवा है, मैं नबी का पद फतवा सुना रहा हूं तुमको, तुम इमाम के पीछे दौड़े चल रहे हो। कह भाई कोई मौलवी तो नहीं बता रहा है, कहा ये मौलवी लोग तो इमामों के पीछे दौड़ने वाले हैं, इनको तो नबी के कौल और नबी के फतवे का इल्म ही नहीं है, बुखारी शरीफ के अंदर है कि मुर्गी की कुर्बानी जायज। अब ये बार बार बुखारी का नाम, तो अच्छे अच्छे लोगों को बुखार आने लगा, अब बेचारे आवाम परेशान, कोई भी आलिम उसको सही नहीं बता रहा, और ये है एकदम अड़े हुए।
तो हुआ कि भाई अब ये बात तो हम लोगों से फले जाने वाली नहीं है, हम लोग तो न इमाम ही के मसलक को पढ़ सकते हैं किताब में और न तो हदीस ही समझ सकते हैं, हमारे अंदर तो लियाकत नहीं है। अब ऐसा करो कि सारे आलिम एक तरफ हैं और आज तक कभी सुना ही नहीं था, ये तो बड़ा निराला मसला इन्होंने पैदा किया है। अगर ये मसला सही है तो इसमें तो बड़ी सहूलत है, हर गरीब मुसलमान भी आसानी से कुर्बानी का सवाब हासिल कर लेगा। ऐसा करो इन्हीं दोनों मौलवियों को जमा करो, हमको ये बुखारी दिखाते तो हम में तो सलाहियत है नहीं बुखारी समझने की। बुखारी समझने की जिसमें सलाहियत है वो ना बुखारी देखेगा। मालूम हुआ कि बुखारी एक ऐसी किताब है कि हर बच्चा और हर आमी उसको नहीं समझ सकता। बुखारी को समझने के लिए हमारे यहां पहले 8 साल 10 साल पढ़ाया जाता है, 8 साल 10 साल से मेहनत चल रही है, तब जाकर लास्ट में अब बुखारी दिया जाता है उसके हाथ में। बुखारी हमारी हमारे तालीमी निजाम में हमारे मदारिस में इतनी अहम किताब है कि हम पहले तालिब इल्म को 8 साल रगड़ते हैं और उसका जहन मानते हैं और उसमें इतनी लियाकत पैदा करते हैं, तब कहीं 8वें 10वें साल में उसको लास्ट में बुखारी हाथ में देते हैं। लेकिन आजकल तो होटल में बुखारी सुनाई जाती है, अभी दाखला भी नहीं लिया इसने किसी मदरसे में, एक हर्फ अलिफ के माना लठ नहीं जानता और ये बुखारी छांट रहा है का होटल में बैठकर। ये बुखारी है कि बुखारी का मजाक उड़ाना है, ये बुखारी की आजमत को मजाक उसका मजाक उड़ाना है, ये इस्तेहज़ा है बुखारी के साथ। बुखारी इतनी गिरी हुई किताब और मामूली किताब नहीं है कि होटल में बैठकर उसको पढ़ा जाए, उसको सैलू में देखने वाले लोग पढ़ें, बाजारी लोग उसको पढ़ें और समझ लें। उसको पढ़ने और समझने के लिए कम से कम 8-10 साल की मेहनत दरकार है। लेकिन क्या कीजिएगा, 2-4 रिवायत बुखारी की, उर्दू का तर्जमा, किताब ले लिया हाथ में और बस बुखारी का हवाला, बुखारी का बस, बुखारी से नीचे तो ये हजरत उतरने वाले नहीं। ये उम्मत को उसके जादे मुस्तकीम से हटाने की तदबीर है, साजिश है, प्लानिंग है, इंतिशार पैदा हो। मतलब बताओ, हदीसें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आ रही है ना, हुजूर के कहने को अमल करने को, आपकी तकरीर को, आपके अमल को, आपके कौल, इसको ना हदीस कहा गया। उसको देखने वाले हम हैं कि सहाबा थे? हुजूर के अमल को उन्होंने देखा कि हमने देखा? सुना उन्होंने कि हमने सुना? ऊपर से यह चीज आ रही है ना, तो ऊपर से हुजूर से लेकर इन 13-14 सदियों तक इस बुखारी को किसी ने समझा नहीं, इस पर अमल नहीं हुआ और आज एक बैंक धमाका हो गया, ये बात बुखारी में है, तो गोया इस दीन में तसलसल नहीं है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक इन सहाबा के बाद ताबईन ने, अइमा मुज्तहिदीन ने और पूरे इस्लामी हलके में और पूरी उम्मत मुस्लिमा में किसी ने उसको समझा ही नहीं सही, तो अमल भी सही नहीं था। तो ये दीन क्या है, ये बुखारी का है कि शियों का 40 पारे वाला कुरान है कि इमाम महदी लेकर आएंगे सही कुरान, अब बीच वाला जितना है कुरान ये सब नाकिस है, ये सही कुरान नहीं है, इसमें घटा बढ़ा हुआ है, जो असली कुरान का नुस्खा है वो कौन लेकर आएंगे, महदी लेकर आएंगे। तो भाई ये दीन अमल के लिए आया था कि ये गाल में लेके छुप कर रखने के लिए आया था? दीन तो इंसान की जिंदगी में नाफिस करने के लिए आया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा मुआशरा तैयार किया था जिनकी अमली जिंदगी में एक एक हदीस लाए थे, उनकी जिंदगी का एक एक पहलू हदीस की किताब का वर्क था, हदीस पढ़ने की जरूरत नहीं थी, वो अमल के अंदर थी। तो ये कौन सा दीन है कि 1400 साल तक उस पर कहीं अमल ही नहीं हुआ, किसी ने उसको सही समझा ही नहीं, और एक वे आज समझा जनाबे वाला ने, तो ये खतरनाक चीज है। इसका मतलब ये है कि पूरी उम्मत शुरू से गुमराही में थी और आज एक वे हिदायत सामने आई है। तो दीन के तसलसल को खत्म करना है, ये फैसला ये बता रहा है
कि ये पूरी उम्मत शुरू से गुनाह में मुब्तला थी, गलत तरीके पर चल रही थी। सहाबा के बाद ही से लोग मुर्तद हो गए। नबी ने जो दीन ला कर दिया था वो पूरी इस्लामी दुनिया में कहीं अमल में नहीं था। ये कोई मामूली सी बात है, खतरनाक है। उम्मत को नबी के दीन से काटने का ये एक रास्ता है, साजिशी रास्ता है, प्री प्लान है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि अचानक हो गई है, बेसमझे बूझो शोरी तौर पर इसको हवा दिया जा रहा है ताकि इंतिशार पैदा हो। जाहिर है अब 1400 साल से जो मुसल्लम हकीकतें हैं, जिस दीन पर उम्मत के अहले इल्म की अक्सरियत चल रही है, उसको अगर कोई चैलेंज करता है तो इसका मतलब ये है कि ये खरा सोना नहीं है। पहले से सब खोटा था, अब ये खरा है। हजार सुनारों ने जिनकी महारत पर सबने नाज किया है और जिनके इखलास और इल्लाहियत पर कसम खाई जा सकती है, 1000 सुनारों का फैसला है जांच परख करके ये सोना है। अब एक बहादुर आ गए, ये सोना नहीं है, ये तो पीतल है। अरे बाबा तुमको कैसे मालूम हुआ पीतल है? कहा हमने देखा है कसौटी पर कस करके, इस खाला सोना का तुमने देखा? तुम तो आज पैदा हुए और तुमसे पहले वाले जितने सुनार हैं सब सोना इसको बता, वो सब जाहिल ने कम बकर को मालूम ही नहीं था पीतल को सोना बताने आ रहे। तो ये आज जब दावा करता है कि हम परखेंगे अपने से और हमारी परख में सोना होगा तब सोना मानेंगे, तो इसका मतलब ये है कि पिछले सारे सुनारों के इल्म को चैलेंज कर रहा है, उनके फैसलों को अलकत कर रहा है, उन सबको जाहिल करार दे रहा है, उनसे बदगुमानी पैदा कर रहा है, बल्कि उनके खिलाफ बगावत का आलम बुलंद कर रहा है। इसके बगैर इसकी बात चली नहीं सकती। इसकी तह में असलाफ की शान में गुस्ताखी और बदतमीजी और उनकी तरफ से कजूरत और बदगुमानी पैदा किए बगैर ये गाड़ी आगे चल नहीं सकती है। इसलिए ये छोटी सी बात नहीं है। बहुत सारे लोग इसे समझते हैं ये कोई बहुत बड़ी बात है, अरे इन्होंने ऐसे समझा, उन्होंने ऐसे समझा, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर एक ही समझ होती तो चार इमाम कैसे होते? अब बाजे बाजे तो इतने ज्यादा खबतुल हवास हो जाते हैं, वो कहते हैं ये चार इमाम कहां से आ गए, चार बात कैसे हक होगी? जब हक होगा तो एक ही ना, और जब एक हक है तो तीन को कंडम करो। हम देखो इतने काबिल हैं कि हमने देखा तो कहीं ये कंडम है तो कहीं वो कंडम है तो कहीं वो कंडम है तो कहीं ये कंडम, ये सब कंडम ही है। इसलिए चारों से अलग अब एकदम सही हम लेकर के आए। मेरे भाइयों ये शैतानी मुगालता और वसवसा, ये पढ़ी लिखी गुमराही है। इस गरीब को इतना भी मई मालूम है कि चार भी हक हो सकता है, ये कोई बहुत अजीब सी बात नहीं है। इल्मी लिहाज से समझाऊं तो आपके जहन में बात नहीं आएगी, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल अपने सामने आप देख लो, मुशाहदा कर लो। खाने काबा एक है कि चार है? एक है ना। हम लोग बैतुल्लाह शरीफ से पश्चिम की तरफ आबाद है ना। देखो बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि कैसे गर्दन हिलावे, कुछ ऐसे हिला रहे हैं, कुछ हिला ही नहीं रहे हैं। हमारे यूपी बिहार में गर्दन से हां नहीं का इशारा करने का दो ही तरीका है। हां कहना है तो ऐसे हिलाते हैं ना, और ना कहना होता है तो ऐसे हिलाते हैं। लेकिन एक तीसरा तरीका भी है जो दोनों के बीचे बीच क्रॉस करता है। इधर जाओगे हैदराबाद साइड में तो ऐसे नहीं इशारा करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, वो ऐसे करेंगे। अब तुम सेट कर लो इधर के उधर। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे जवाब दे तो आप भी बीचे बीच क्रॉस कर दो, हम सेट कर लेंगे। हम हिंदुस्तान के रहने वाले खाने काबा से किस जहत में हैं? पूरब है, तो हमको बैतुल्लाह शरीफ की तरफ हुक्म है रुख करने का, तो हम किधर रुख करेंगे? बैतुल्लाह शरीफ की तरफ। लेकिन कुछ ममालिक बैतुल्लाह शरीफ से पश्चिम की तरफ है, तो वहां के मुसलमान पश्चिमे की तरफ रुख करेंगे पूरब की तरफ। और कुछ लोग बैतुल्लाह शरीफ से उत्तर की तरफ आबाद हैं, वो किधर रुख करेंगे?
दक्षिण की तरफ। अब कुछ लोग बैतुल्ला शरीफ से दक्षिण की तरफ आबाद है, वो रुख किधर करेंगे? तो देखो खाने काबा से पश्चिम में रहने वाला रुख कर रहा है पूरब की तरफ, और खाने काबा से पूरब की तरफ रहने वाला रुख कर रहा है पश्चिम की तरफ, और इससे दक्षिण में रहने वाला रुख कर रहा है उत्तर की तरफ, और उत्तर में रहने वाला रुख कर रहा है दक्षिण की तरफ। सारे मुसलमानों का रुख एक तरफ नमाज में तो नहीं है, चार तरफ है ना? चार तरफ है कि एक तरफ है? किबला चार टुकड़े हो गया क्या, बट गया? ये एक की ना सही होगा, या उत्तरे वाले की सही होगी नमाज, या दक्षिणी वाले की सही होगी, या पूरबे वाले की होगी, या पश्चिमी वाले की? हक तो एक होगा, बोलो। चारों हक है, चारों तरफ रुक करके पढ़ने वालों की नमाज सही है, और इसके चार जहत में मुनकसिम हो जाने से किबला नहीं टुकड़े में बट गया, वो चार टुकड़े नहीं हो गया। मालूम है कि चार भी हक हो सकता है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो नामुमकिन सी हो, और चार हक होने से हक चार टुकड़े में बट नहीं जाता, हक के पर खच्चे नहीं उड़ जाते हैं, लोग बेवकूफ बनाते हैं। हमसे एक साहब आए मुनाजरा करने के लिए, करने की, देखिए आप लोगों ने तो उम्मत को एक एक चवलनी थमा रखा है, चार इमाम के पीछे लगा करके चार चार आना, और चार आना तो इमाम अबू हनीफा के पास, चार आना इमाम शाफी के पास, चार आना इमाम मालिक के पास, और चार आना इमाम अहमद इब्न हम्बल के पास। तो सब लोग चार चार आना लिए बैठे हुए हैं। हमारा कहना यह है कि चवन्नी क्या लेके घूम रहे हो, डायरेक्ट चले आओ हदीस और कुरान के ऊपर, वहां 16 आना है। तो देखो कितना जहन को अपील करने वाली बात है, बात जहन में बैठती है ना कि भाई ये तो चार चार आने में है, और ये सब के सब ले रहे हैं तो वहीं से कुरान से हदीस से, तो चवन्नी बनाने की क्या जरूरत है, एकदम 16 आना, चले आओ डायरेक्ट कुरान और हदीस के ऊपर। तो हमने उनसे पूछा कि अच्छा आप ये बताइए, हम लोग तो चार ही चार आना में हैं, आपके पास तो 16 आना है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। भाई एक एक बच्चे को बुलाया, उससे कहा बेटा ये चवन्नी रखो। अरे चवन्नी फवन्नी हम क्या करेंगे रख करके, इसको फिर दूसरी बार, अरे बाबा ई वाली रख ले चवन्नी। नहीं, ये वाली और वो वाली का है तो चवन्नी, इसको भी हटाओ फेंक। उसको भी फेंक दिया। अरे बाबा ठीक है तुम्हारी समझ से, ये भी खोटे ही है, खराब ही चवन्नी है, छोड़ दो ना, हनफी को मत रहो, शाफी हम्बली बन जाओ, ये चवन्नी रखो, खराब फेंको इसको, ये भी तो है चवन्नी। अरे बाबा ये भी ठीक नहीं है, तो मालिकी बन जाओ, ये चवन्नी। चारों चवन्नी उठा के फेंक दिया, उसके हाथ में कितना बचा, कितना बचा उसके हाथ में, एक रुपया? बताइए ये बेवकूफ समझ रहा है कि हम रुपए वाले हैं, उसके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, इसके पास तो गनीमत है कि चवन्नी थी, जब चारों चवन्नी उठाकर फेंक दिया इसने, तो अब बचा हुआ इसके हाथ में क्या रहा, एक रुपया रहा। तो जब हमने समझाया तो मौली साहब कभी सर खुजला रहे हैं, कभी बगल खुजला रहे हैं, अब जवाब ही नहीं बन पा रहा। अब ये हंगामा हुआ, लोग आलिमों के पास लौड़े, यहाँ वहां वहां वहां, कि भाई वो बोलते हैं कि बुखारी में है कि मुर्गी की कुर्बानी जायज। अब ये तो हर मौलवी के बस का काम नहीं है, हर आलिम इस काम को नहीं कर सकता। बहुत सारे उलमा जमा हुए, लोगों ने कहा कि मौलाना ताहिर गयावी को बुलाओ, तब बुखारी देखी जाएगी। हम लोग बुखारी उखारी देखेंगे तो फेर में पड़ जाएंगे। मैं भूल गया, उलमा जमा हुए, पीर साहब भी आए, आज से 30-35 साल करीब पहले का वाकया है ये, बड़ी हंगामा हुआ अखबारात में भी, उस वक्त में मुर्गी की कुर्बानी जायज मसला छिड़ गया था।
लोगों साहब बुखारी हम लोग हिदाया लेके जा रहे हैं, शर्वकाया लेके जा रहे हैं, अबो हजरत आए बुखारी लेकर। भाई चार पाए वाला चौपाए जानवर की कुर्बानी है, दो टांग वाले जानवर की कुर्बानी नहीं है। उन्होंने कहा छोड़ो ये सब क्या देखते हो किताब, ये तो मौलवी मौलाना लोग की लिखी हुई है, इमामों की बताई हुई बात है। जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस देखो, हुजूर फरमा रहे हैं कि कुर्बानी हो जाएगी किसकी, मौलवी की। अब बुखारी से यही हदीस निकाल कर दिखाइए कि देखो अल्लाह के रसूल ने फरमाया है जो सबसे पहले आया जुमे के रोज उसको सवाब कितना मिलेगा, एक ऊंट की कुर्बानी का सवाब। दूसरे नंबर पर आया उसको सवाब कितना मिलेगा, एक गाय की कुर्बानी का सवाब। तीसरे नंबर पर आया उसको कितना सवाब मिलेगा, एक मेले की कुर्बानी का सवाब। चौथे नंबर पर आया उसको सवाब कितना मिलेगा, एक मुर्गी की कुर्बानी का सवाब। तो अगर कुर्बानी जायज ना होती मुर्गी की तो हुजूर मिसाल में पेश करते हैं, हुजूर झूठ बोल सकते हैं, नबी गलती कर सकता है, तुम्हारे इमाम गलती कर सकते हैं, नबी गलती। तो मैंने कहा कि हुजूर है तो ये हदीस लेकिन जो मतलब आप बयान कर रहे हैं वो गलत है, इस हदीस का ये मतलब नहीं है। कहे क्यों, हमने कहा चारों इमाम इस हदीस को जानते थे। ये हदीस एक बैक आपके खानकाह में आ गई है क्या, डायरेक्ट कॉल कर दिया है आपने, हदीस तो ऊपर से आ रही है ना। कूफे वाले इस हदीस को जानते ही नहीं थे, मदीने वाले इस हदीस को जानते ही नहीं थे, मक्के वाले इस हदीस को जानते ही नहीं थे, जाने तो कौन बंगाल वाले जाने, ये मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है। ये हदीस सबके पास थी लेकिन किसी ने इसका ये मतलब नहीं समझा। तो ये हदीस के नाम पर आप शिकार कर रहे हैं, हदीस का ये मतलब नहीं। कहने लगे फिर, मैंने कहा फिर ये है कि इसमें कुर्बानी का मतलब जानवर को ज़बह करना नहीं है, जानवर के खून के जरिए से जो कुर्बानी पेश की जाती है, इराकतु दम के माना में ये कुर्बानी नहीं है। लुगत क्या देखे, अकल भी कोई चीज है कि नहीं है। कहने लगे कि कुर्बानी का और भी माना है क्या, मैंने कहा जी और भी माना है, बिना खून बहाए भी कुर्बानी होती है। क्या हम नहीं बोलते, देखिए मौलाना साहब ये मस्जिद जो तामीर हुई है इन्होंने इसके लिए बड़ी कुर्बानी दी है। क्या मतलब, इनको ज़बह कर दिया गया है क्या। जब कोई किसी मामले में मेहनत करता है, मशक्कत उठाता है, ईसार करता है तो उसको मुहावरे में जुबान में क्या बोलते हैं, कुर्बानी। ये उसी माना में कुर्बानी है, ज़बह करने के माना में नहीं है। हदीस का मतलब यह है कि जिस आदमी ने इतना ज्यादा वक्त निकाला है अल्लाह के वास्ते उसको सवाब इतना मिलेगा जैसे कि ये सदका कर देता, किसी मोहताज को एक ऊंट दे देता, उसका जो सवाब होता उतना सवाब मिलेगा। या कुर्बानी ज़बह करने के माना में नहीं है। कहने लगे हम मानते हैं कि ये भी माना है और वो भी माना है, तो इसका फैसला कैसे होगा कि ये वाला सही है और वो वाला गलत है। हमने कहा अगर अकल खोपड़ा हो तो फैसला तो हो चुका है, फैसला होगा अब क्या, फैसला तो हो चुका है, किसी इमाम ने ये मतलब नहीं लिया थी तो फैसला हो चुका है कि ये माना नहीं है। पहले हम तो इमाम उमाम को नहीं मानते हैं। हम कहा अच्छा इमाम को नहीं मानते, अपने को मानते हैं आप कि नहीं मानते। हमारे समझ में आएगा तो मानेंगे। हमने कहा अच्छा ये बताइए, कोई बेचारा मुसलमान इतना गरीब है कि मुर्गी भी खरीद नहीं सकता है कुर्बानी करने के लिए, वो मुर्गी का अंडे सिर्फ खरीद सकता है, तो अंडे की कुर्बानी जायज होगी कि नहीं। अंडा कोई जानवर है की कुर्बानी हो जाएगी। मैंने कहा अंडा जानवर हो या ना हो मगर आप तो जानवर हैं हजरत। मैंने कहा आगे देखो हदीस में ये भी तो हुजूर फरमा रहे हैं कि पांचवें नंबर पर जो आया उस
उसको इतना सवाब मिलेगा कान्नमा कर्रबा बैजतन, जैसे अंडे की कुर्बानी की हो। तो अंडे की भी कुर्बानी जायज करार दीजिए अगर यही माला कुर्बानी के है। अंडे की कुर्बानी आपके यहाँ जायज नहीं है, तो मुर्गे की कुर्बानी चारों इमामों ने जायज नहीं रखी है, तो मालूम हुआ कि ये कुर्बानी का माला ही नहीं है इस हदीस में। आता है समझ में? आता है कि नहीं? मैंने कल क्या बताया था आपको कि माला को बदल देना ये है बातिल की कार्रवाई। शुरू से सैयदना अली करमल्ला वजह ने जब इस्लाम में फिरका बंदी शुरू हुई, टुकड़े में मुसलमान बटने लगे और इल्म का रंग लेकर ये निफाक आया है सामने, उसी दिन कहा कलिमत व हक्किन उरीद बिहल बातिल, ये कलमा बर हक है, हम इस कलमे को नहीं झुटला रहे हैं, लेकिन जिस जगह पर इस कलमे को इस्तेमाल करने वाले लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे जो माना मुराद ले रहे हैं, वो मतलब जो निकालना चाहते हैं, मैं हरगिज उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं हूं। ये मतलब गलत। इतर की शीशी में पेशाब नहीं भरा जा सकता है क्या? नहीं भर सकते हो। इतर मजमुआ लाया था, खत्म हो गया। अब तुमने सोचा कि ऐसा करो कि कोई बेवकूफ पकड़ा जाए तो कीमत वापस हो जाए। इतर तो इस्तेमाल कर ही लिया, पेशाबे पेक करके काक टाइट कर दिया, लेबल उस पर इतर मजमुआ का है। कोई मिल गया उल्लू का पट्टा, उसने समझा कि इतर ही की शीशी है तो इतर के नाम में खरीद लिया। अब तो ईद के रोज जब खोलेगा तब ना समझ में आएगा। मतलब मटेरियल बदल देना, अल्फाज को उसकी मुतवारिस हकीकतों से अलहदा करके नई हकीकतें उसमें दाखिल कर देना, ये इंतहाई खतर। यही उलमाए यहूद की कार्रवाई थी। इल्म की गुमराही इसी रास्ते से आती। मैंने बताया था आपको मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, अब देखो इसी हदीस से क्या मसला इमाम ने निकाला, इमामों ने निकाला मसला, हमने भी निकाला मसला। हदीस एक है, बुखारी की हदीस है। हमने मसला निकाला तो मुर्गी की कुर्बानी निकाल दिया। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने देखो कैसा इस्तिंबात किया, कितनी शानदार बात निकाली। फरमाते हैं कि देखो इस हदीस पाक में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर में एक बात इरशाद फरमाई। ये बताया ना कि फरिश्ते रहते हैं और आने वालों का इंतजार करते रहते हैं और उनके लिए उनके वक्त की कुर्बानी के लिहाज से सवाब अल्लाह की तरफ से दर्ज करते रहते हैं। ये कार्रवाई कब तक चलती रहती है? जब तक के इमाम मिंबर पर नहीं आया है। अल्लाह के हबीब ने आखिर में फरमाया फैजा खरज अल इमाम हजरत अल मलाइका फैजा खरज अल इमाम तवुसूफहुम, जब इमाम मिंबर पर आ गया फरिश्तों ने अपना काम धंधा बंद कर दिया, अमाल का इंदिराज बंद कर दिया। हजरत अल मलाइका, फरिश्ते आ गए, अब सारा काम बंद। यस्तमेउन ज़िक्रा, अब एक ही काम है कि फरिश्ते भी और आने वाले नमाजी भी अब क्या सुनेंगे? खुतबा सुनेंगे। खुतबा सुनना वाजिब, खामोश रहिए उस वक्त, ये इबादत है। अब इसमें दूसरी इबादत मत ठूसिए। बर्तन पहले ही से भरा हुआ है, उसमें और भरोगे तब ऊपर रहेगा कि नीचे आने लगेगा, बचेगा कि जाया होगा? एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, अब उसी नमाज में और भी दूसरी नमाज ठूस सकता है? ठूस नहीं सकता है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि कलाम भी बंद, नमाज भी बंद। अब कोई इबादत का काम भी हरगिज हरगिज इमाम के आने के बाद नहीं करना चाहिए। हत्ता के इमाम खुतबे के लिए खड़ा हो गया, अब कोई आदमी आया सोचे दो रकत तहियतुल मस्जिद हम पढ़ ले, फरमाते हरगिज हरगिज नहीं, फरिश्तों ने सारे काम छोड़ दिए, तो इबलीस से कम बखत के काम चालू किए हुए। इजा खरज अल इमाम फला सलात वला कलाम, जब इमाम मिंबर पर आ गया अब कोई खबरदार बात ना करे और कोई नमाज ना पढ़े। क्यों? ये जो नमाज पढ़ रहा है ये वाजिब नमाज है, फर्ज नमाज है,
ये नमाज नफिल है, सुन्नत है, और ये काम जो हो रहा है सुनना इसका वाजिब है, तो वाजिब को तर्क कर रहा है नफिल के लिए और सुन्नत के लिए, बेअकल है ये। ये हमारे इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मसलक है। हां, बास इमामों के नजदीक तहियतुल मस्जिद भी वाजिब है, हमारे यहां नफिल है और उनके यहां वाजिब है, तो वो मसला अलग है, उसका फैसला दलाइल की रोशनी में अलग से दूसरे दलाइल से मालूम होगा कि ये सुन्नत है, नफिल है या वाजिब है। तो जिनके नजदीक वाजिब है वो कहते हैं कि इमाम खुतबा दे रहा है, ठीक, सुनना उसका वाजिब, लेकिन ये नमाज भी वाजिब है, दोनों टक्कर किए, वो खुतबा पढ़ता रहे, हम इसको पढ़ेंगे। तो उन्होंने जो छूट दिया वो अपने हिसाब से ठीक दिया है ना, टक्कर टक्कर का है, मुकाबले की कार्रवाई है, मेरा जी चाहेगा हम उस वाजिब को लेंगे और मेरा जी चाहेगा हम इस वाजिब को लेंगे, दोनों बराबर बराबर की चीज है। लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये तो उसके टक्कर का है ही नहीं, वो वाजिब है और ये नफिल है, तो वाजिब को तर्क कर देगा नफिल के लिए तो गुनाहगार होगा, इससे सवाब नहीं मिलेगा। और मेरे भाइयों, सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने जो समझा, उनकी कार्रवाइयों से मालूम होता है कि ये ज्यादा मजबूत पहलू है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मजबूत पोजीशन में, क्यों? देखो, जो आदमी जुमा पढ़ लेगा वो जुहर पढ़ेगा है? जुमा पढ़ लिया जिसने तो जुहर उससे साकित ना, जुहर तो नहीं पढ़ेगा। ये और बात है कि आजकल बाद लोग बहुत उल्लू बनाते हैं, एहतियातुल जुहर चालू कर दिया है, एक इस्तरा नमाज। ये एहतियातुल जुहर क्या बला है? एक मौली साहब से हमने पूछा ये एहतियातुल जुहर क्या है, कहने लगे देखिए ऐसा है कि हिंदुस्तान में मुसलमान लोग देहात में बहुत ज्यादा रहते हैं और देहात में हनफी मसलक में जुमा जायज नहीं है। अब देहात वाले ने जुमा पढ़ लिया और जुमा जायज था नहीं, पता नहीं कि हुआ कि नहीं हुआ, तो एहतियातन जोर भी पढ़ दो, यानी इनको खुदे शक है, ये एहतियातु जोर चालू कर दो, ये तो कोई चीज ही नहीं है, ये हनफी मसलक भी नहीं है, ये मनगढ़ंत मसलक है, वो हनफी बनकर बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन जो सही है वो ये है कि जुमा जिसने पढ़ लिया अब वो नहीं पढ़ेगा, जुमा अगरचे उस पर वाजिब भी नहीं था लेकिन उसने जुमा पढ़ लिया, जैसे मुसाफिर है, हम आए हुए हजारों मील के फासले से, जुमे का दिन है, अगरचे हम शहर में हैं लेकिन जुमा हम पर वाजिब फर्ज नहीं है, हम चाहे जोर पढ़ लें जुमा छोड़ दें, लेकिन अगर हमने जुमा पढ़ ही लिया तो फिर जोर भी पढ़ेंगे, जोर नहीं पढ़ेंगे। और जुमे की दो रकत जो नमाज है ये भी फर्ज है ना, और जोहर की चार रकत वो भी फर्ज है, तो दो रकत ये भी फर्ज और चार रकत जोहर भी फर्ज, लेकिन दो कम है ना चार से, तो जिसने दो पढ़ लिया जुमा अब चार जोहर, तो दो ने चार को खत्म कर दिया, यानी कमजोर ने मजबूत को, कमजोर मजबूत को खत्म कर सकता है। अकल में आती है ये बात? नहीं आती है। बराबर बराबर हो तो चलो मान सकते हैं, जितना तगड़ा ये उतना ही तगड़ा वो, तो हो सकता है इसने उसको मार दिया, उसको उसने इसको खत्म कर दिया, हालांकि चाहिए तो कि उससे ज्यादा तगड़ा हो तब वो मरे, लेकिन कमजोर ने मजबूत को खत्म कर दिया, ये बात तो जरा अकल में आती नहीं है। तो हकीकत ये है कि जुमा भी चार रकत है और जोहर भी बराबर बराबर है, फर्क ये है कि दो रकत नमाज की शक्ल में है और दो रकत खुतबे की शक्ल में, खुतबा भी नमाज के कायम मकाम है। इससे यह मसला भी समझ में आया कि खुतबा
अरबी के अलावा दूसरे जुबान में अगर कोई दे रहा है तो ये गलत काम कर रहा है। नमाज के अंदर बजाय अलहम्द शरीफ के उसका तर्जमा पढ़ दो तो नमाज में चार चांद लग जाएगा ना। बहुत सारे बेवकूफ लोग उर्दू खुतबा पढ़ देते हैं, उर्दू शामिल कर देते हैं खुतबे के अंदर, नसर में, नजम में। ये तरीका मुतवारिस तरीके के खिलाफ है। कम से कम मकरूह तालीमी हो गया खुतबा। ये जुमे का खुतबा तकरीर नहीं है, ये तो जिक्र के दर्जे में है, इबादत के दर्जे में है। जिस तरह इबादत की जुबान नहीं बदली जा सकती है, उसी तरह खुतबे की जुबान नहीं बदली जा सकती है। सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, देखते नहीं हो कि इसके अंदर नमाज की रूह को शरीयत ने बाकी रखा है। खुतबे में नमाज की रूह बाकी है। जिस तरीके से दो रकअत नमाज पढ़नी है तो एक बार बीच में बैठोगे कि नहीं बैठोगे? अगर ये सिर्फ तकरीर है तो बीच में बैठने की क्या जरूरत है? एक ही बार तीन घंटा कर दे, लेकिन खुतबे में बीच में बैठना है। देखते नहीं हो कि जिस तरह से नमाज के पहले तकबीर बोली जाती है तो खुतबे के पहले अजान दी जाती है। देखते नहीं हो जिस तरीके से नमाज के लिए तहारत सुगरा और कुबला दोनों जरूरी है, तहारत शर्त है, तो खुतबे के लिए भी तहारत अकबर शर्त है। हदस अकबर से तहारत होनी चाहिए। अगर कोई जुल्म भी नापाक आदमी खुतबा पढ़ दे और फिर गुसल करके नमाज पढ़ाए तो इसकी नमाज भी नहीं होगी। इसलिए कि जब खुतबा बातिल हो गया, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि नापाकी में खुतबा उसने पढ़ा, और खुतबा शर्त सलात है। जब खुतबा खत्म हो गया, खत्म गलत हो गया, शर्त बातिल हो गई, तो अब बिला शर्त नमाज होगी? किसी का वजू टूट जाए लेकिन बड़ी उमदा तिलावत से कुरान नमाज में पढ़ दे तो नमाज हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि इजाफात शर्त फातल मशरूत। तो इस तरह देखने से और गौर करने से समझ में आता है कि खुतबा तो नमाज के कायम मकाम है। देखते रहे, नमाज के अंदर बोलता है अगर कोई तो गुनाहगार है, गलत कर रहा है, नहीं कर रहा है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि खबरदार खबरदार, कोई सामने से कंकड़ी बार बार ना हटावे खुतबे के दरमियान। अगर कोई गलती कर रहा है तो दूसरा टोके नहीं, ये ना कहे कि तुम गलत कर रहे हो। ये किसी दूसरे को हक नहीं है। इमाम बोल सकता है, खतीब बोल सकता है, लेकिन बाजू वाला और दूसरा मुख्तदी इस्लाह के लिए भी नहीं बोल सकता है। इसलिए कि ये इबादत है और ये नमाज की शान और रूह अपने अंदर लगता है। जिस तरह नमाज में बोलकर मसला नहीं बताया जा सकता। मशहूर है ना किस्सा कि चार बेवकूफ लोग कहीं जा रहे थे, नमाज का टाइम हुआ, नमाज के बड़े पाबंद थे, तो हुआ कि भाई यहीं पर नहर है, वजू कर लो, और हम लोग चार चार आदमी यही हैं, जमात से नमाज पढ़। अब उसी में एक को बना दिया इमाम, तीन हो गए पीछे खड़े, और नहर है, अब उसमें मछली है, मेंढक है, और एक बार मछली उसमें तड़पी है, हड़ाक गड़ाप से आवाज आई, तो एक मुक्तदी का जाए दर दरिया कुछ गड़बड़ अस्त, ये कुछ बुकरात थे ना, दो चार हरफ फारसी का मालूम था कि दरिया में लगता है कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो दूसरा वाला उसको टोक रहा है, अरे नमाज में बोल रहे हो, ये लुकमा दे रहा है, दर नमाज कोई बोलत है, नमाज में कोई बोल रहा है, तुम बोल रहे हो नमाज में? तब तीसरा वाला कह रहा है कि हम नहीं बोले हैं, यानी तुम्हारी दोनों की नमाज गई है, हमारी नमाज नहीं गई है। तो इमाम साहब भी तो ऐसे ही काबिल थे, वो कहने लगे तुम लोग तीनों की चली गई है। बहुत से मुख्तदी लोग दीनदार होते हैं तो खुतबे के दरमियान अगर कोई बाजू वाला गलती कर रहा है तो ये हजरत मसला बतलाने लगते हैं। वो वक्त मसला बतलाने का नहीं है, ये हक तुमको नहीं है। अगर टोकेगा और इस्लाह करेगा तो ये हक खतीब को है। वो खुतबा रोक कर उसके दरमियान
मसला बता सकता है, टोक सकता है। तुमको ये वक्त नहीं है बोलने का, मसला बताना है उस नमाज के बाद, खुतबा खत्म, अब मसला बताओ। उस दरमियान अगर कोई दूसरे से बोलता भी है तो गुनाहगार होता है। बताओ, एक लफ्ज बोल, एक जुमला बोलना, ये कहना तुमने गलत किया, कितना टाइम लगेगा? इतनी देर के लिए भी खुतबे से बेतवज्जुही जब बर्दाश्त नहीं किया शरीयत ने, क्या इतनी देर में कोई एक रकत नमाज भी पूरी होगी? नमाज तो ज्यादा वक्त लगी बनिस्बत कलाम के। तो जब कलाम इतना डिस्टर्बेंस भी खुतबा बर्दाश्त नहीं करता और शरीयत ने इजाजत नहीं दी, तो हम एक मिनट के लिए तो ये गफलत करे तो मुजरिम हो जाए, और 10 मिनट के लिए दो दो लगकर चार चार लगकर पढ़े तो मुजरिम नहीं होगा? फरमाया सैयदना इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने कि कलाम तो सहल है नमाज के मुकाबले में, इसलिए कि कलाम तो दो जुमले में भी हो सकता है, लेकिन नमाज दो जुमले में नहीं हो सकती है। जब हदीस की सराहत बता रही है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त अगर दूसरे को बोलता लगाऊ था तूने गलत काम किया, तो इतना भी कहने की गुंजाइश नहीं है। ये कहने वाला गुनाहगार है। क्यों? इसलिए कि खुतबे में इससे डिस्टर्ब हो रहा है। खुतबे का जो इस्तिमा वाजिब था इसके जिम्मे, उसको इसने तर्क किया। इतनी देर के लिए तर्क की गुंजाइश नहीं है, तो दो दो रकअत के लिए तर्क करेगा तो और ज्यादा गुनाहगार होगा। तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने देखो इससे कितनी गहराई से मसला निकाला। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ राय रखते हैं उनके पास कोई हदीस नहीं है। इमाम अबू हनीफा की राय भी हदीस पर मबनी है, ये हदीस से अलग नहीं है। अगर दूसरे के पास हदीस है तो इनके पास भी हदीस है। अब ये फरेब क्या देता है? जो हदीस इनकी दलील है उसको नहीं दिखाता, और जो हदीस दूसरों के पास, देखिए हदीस में ये है और ये ऐसे बोल रहे हैं, यानी गोया इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह रसूलुल्लाह से कुश्ती खलड़ने की कसम खाए हुए। हालांकि ये जानता है कि इनके पास भी हदीस है, इनकी हदीस भी बुखारी ही में है, लेकिन वो नहीं दिखाएगा और खुद से इश्तिहाद करेगा तो चारों इमामों के इश्तिहाद से भी बहुत आगे बढ़कर इश्तिहाद करेगा। आज के मुज्तहिदीन का हाल बड़ा अजीब है। देखो, बुखारी में एक हदीस है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजानुल मुबारक के महीने में ऐलान फरमाया, ला यगुर्रन्नकुम अज़ानु बिलाल, खबरदार बिलाल की अजान से तुमको धोखा न लग जाए। ऐसा ना हो कि हजरत बिलाल अजान दे दे तो तुम शहरी खाना बंद कर दो। अजान दे दे हजरत बिलाल तो इससे धोखे में ना आओ, तुम शहरी खा सकते हो, उसके बाद भी खा सकते हो। अब बुखारी में हदीस है। अब एक साहब ने फतवा दे दिया कि सुबह की अजान हो जाने के बाद भी शहरी खा सकते हैं, इससे रोजा खराब नहीं होगा, रोजा हो जाएगा। अरे बाबा, सुबह की अजान के बाद भी शहरी खाने से रोजा हो जाएगा? ऐसा तो कोई मसला नहीं। अरे नहीं है मसला, वो तो हनफियों के यहां नहीं है मसला, उनके पास कोई हदीस वदीस तो नहीं है। अल्लाह के रसूल से ज्यादा जानते हैं क्या इमाम अबू हनीफा? इमाम अबू हनीफा को तो हदीस वदीस आती नहीं थी। यहां तो हदीस रसूल हुजूर ने इजाजत दी है कि बिलाल की अजान से धोखा ना लगे, बिलाल अजान दे दे जब भी चालू रहे शहरी खा सकते हो। तो नबी ज्यादा जानते हैं कि अबू हनीफा ज्यादा जानते हैं? अभी बुखारी पटक रहा है, बताइए हदीस तो है बुखारी में ना कि नहीं है? हदीस है, लेकिन मतलब इसने जो निकाला ये मतलब कितने का रोजा, कितने की इबादत को गर्क कर गया, और ये बेवकूफी में समझ रहा है कि हम हदीस पर अमल कर रहे हैं। शहरी के बाद भी खाकर रोजा रख रहा है, समझ रहा है कि हम रोजेदार हैं, हमको सवाब मिल रहा है। और 300 दिन अगर ऐसा कर दिया उसने तो एक रोजे का भी उसको सवाब नहीं मिला। डायरेक्ट हदीस पर अमल करने से यही होता है। ये अपनी हिमाकत से समझता है कि मैं इबादत कर रहा हूं, इंतहाई मकबूल इबादत कर रहा हूं, और वो सारी इबादत चौपट। अब देखो इसमें क्या मार्का है। हदीस है लेकिन मसला वो है
अब हदीस समझने के लिए जितना इल्म दरकार है, इस बेचारे इल्म से यतीम को उतना इल्म ही हासिल नहीं है, तो सही मतलब समझेगा क्या? जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की अजान रमजान के मुबारक महीने में हजरत बिलाल से नहीं दिलवाते थे। साल भर हजरत बिलाल देते थे अजान, लेकिन मदीने में हुजूर के जमाने में फजर की अजान हजरत बिलाल नहीं देते थे। रमजान के महीने में ड्यूटी बदल जाती थी। रमजान के महीने में फजर की अजान देते थे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम। फजर की अजान कौन देते थे? हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम फजर की अजान रमजान में देते थे। अब पूरे साल देते थे फजर की अजान कौन? हजरत बिलाल। अब रमजान के महीने में हजरत बिलाल की ड्यूटी बदल जाती थी, तहज्जुद के लिए अजान हजरत बिलाल से दिलाई जाती थी। तो हुजूर ने आगाह किया कि बहुत सारे लोग जो साल भर हजरत अजान हजरत बिलाल की सुनते रहे हैं, कहीं वो ये न समझ जाएं कि रमजान में भी बिलाल अजान दे रहे हैं फजर की। सुनो, तुमको रमजान में अगर बिलाल की अजान की आवाज पहुंचे तो हरगिज धोखा नहीं लगना चाहिए, उनकी अजान के बाद तुम सहरी खा सकते हो, क्योंकि ये अजान फजर की नहीं है, अभी सुबह सादिक नहीं हुई है। ये तहज्जुद वाली अजान के बाद हुजूर ने सहरी की इजाजत दी, इस बेवकूफ ने उसको फिट काहे पकड़ दिया? फजर की अजान। एक अच्छे खासे पढ़े लिखे हुए हदीस के पढ़ने पढ़ाने वाले आलिम को मैंने देखा कि वो किबले की तरफ हिंदुस्तान में बैठकर पश्चिम की तरफ पेशाब कर रहे, तो मैं ना साइड में खड़ा हो गया कि फारिग हो जाए तब इनसे बात करें। जब वो बोली साहब फारिग हो गए तो मैंने कहा साहब आप तो माशाल्लाह बड़े आलिम हैं, हदीस पढ़ते पढ़ाते हैं और हदीस पर ही अमल करने का दावा है, तो आपको मालूम नहीं है क्या कोई आप अजनबी मुसाफिर हैं, आपको रुख भी नहीं पता लगा क्या? आप तो यहीं के रहने वाले हैं, आपको तो मालूम है कि इधर किबला है पश्चिम है, इधर क्यों आपने पेशाब किया? कहने लगे तो आप भी तो मौलवी हैं, मगर हम में आप में फर्क यह है कि आप हनफी हैं। मैंने कहा बाबा यहां हनफी शाफी का मसला नहीं, मैं तो आपसे हदीस कहा, तो हदीस में इजाजत दी गई है, हदीस में। अब तो आप समझ जाइए कि मेरे तो पूरे बदन में आग लग गई, ऐसी हदीस कहां है कि किबले की तरफ पेशाब करने की हुजूर ने इजाजत दिया हो? तो मैंने कहा अच्छा ये बताइए तो कहां है वो हदीस जिसमें इजाजत दी गई है? कहा तिर्मिजी में हदीस है। मैंने कहा तिर्मिजी सिर्फ आप ही पढ़ते हैं, हम लोग भी पढ़ते हैं, कहां हदीस? कहा देखिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हजरत अबू अय्यूब अंसारी हदीस के अलावा अल्लाह के रसूल ने फरमाया वलाकिन शल्लकू व क़र्रबू, लेकिन तुम पूरब की तरफ रुख करके पेशाब कर सकते हो या पश्चिम की तरफ रुख करके पेशाब कर सकते हो। तो इस हदीस में तो पश्चिम की तरफ रुख करके पेशाब करने की इजाजत दी गई है। देखो कितनी शानदार हदीस पेश किया। तो मैंने पूछा कि अच्छा ये बताइए हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु हिंदुस्तान के रहने वाले थे, चले इससे आपको क्या लेना देना है? मैंने कहा अच्छा चलिए इससे भी जो लेना देना है उसको भी छोड़ दीजिए। अच्छा जिस वक्त हुजूर ये फरमा रहे थे वलाकिन शर्रकू और गर्रबू, उस वक्त हुजूर कहां थे? कहने लगे इससे क्या लेना देना आपको, कहीं भी थे तो हुजूर ही तो थे। ऐसा थोड़ा ही है कि नबी जहां पर बोलेगा उस जगह को देखकर उनकी बात मानी जाएगी, ऐसा इस्लाम में कोई कानून नहीं। हमने कहा ऐसा इस्लाम में कानून नहीं है, लेकिन इसको समझे बगैर सही बात को आदमी पा नहीं सकता। जब आप ही बता रहे हैं कि हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने सुना ना हुजूर से? तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी थे ना, अंसार में से थे ना, मदीने के थे रहने वाले,
मालूम हुआ कि ये बात हुजूर ने जब फरमाई थी तो मदीने में नबी थे, और जब नबी मदीने वालों को बता रहा है तो मदीने वालों से कह रहा है कि देखो तुम पूरब की रुख बैठ सकते हो, पश्चिम की रुख बैठ सकते हो, और मदीने में जब आदमी पूरब या पश्चिम की तरफ बैठेगा तो बैतुल्लाह शरीफ पड़ेगा उसके आगे या पीछे। मक्के से मदीना किस तरफ है? उत्तर दक्षिण वाके है ना, तो वहां नबी फरमा रहे हैं कि किबले की तरफ न पीठ होनी चाहिए न सामना होना चाहिए। हाँ तुम पूरब की तरफ रुक करके बैठ सकते हो और तुम पश्चिम की तरफ रुक करके बैठ सकते हो, तो मदीने वाला पूरब या पश्चिम बैठेगा तो किबला तो पड़ेगा नहीं। और आप तो मदीने में नहीं बैठे, आप कहां बैठे हुए हैं? देखो हदीस का मतलब बदला कि नहीं बदला। मुहद्दिस का काम हदीस पाक को महफूज रखना और उसको दूसरों तक पहुंचाना, उस्ताद से हासिल करना, शागिर्द को सुनाना पहुंचाना, ये उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन फुकहाए किराम की जिम्मेदारी ये है कि अहादीस की सेटिंग, अहादीस के माना और मतलब को उसकी जगह पर जो मकसद है उससे, उस मकसद को मुतय्यन करना, उस मुराद को मुतय्यन करना। अब अगर कोई उसकी मुराद को अपनी तरफ से मुतय्यन करता है और ये समझता है कि हम हदीस पर अमल कर रहे हैं, तो इंतहा दर्जे वो फरेब का शिकार है, खुद भी फरेब में है और दूसरे को भी फरेब में मुब्तला कर रहा है। आम मिसालों से समझो, कोई बीमार पड़ता है तो दवा इस्तेमाल करता है ना, फायदा उससे दवा से होता है, अल्लाह पाक शिफा देते हैं, जरिया दवा है। लेकिन दवा के दुकानों पर जाता है इलाज कराने के लिए या डॉक्टर के पास जाता है? बड़ी बड़ी दवाओं की जो दुकान है, जहां दवाओं का स्टॉक है, वहां जाकर दवा लेने के लिए डायरेक्ट या पहले जाएगा डॉक्टर के पास? और आज के जमाने में तो कुछ समझना मुश्किल नहीं है, आजकल तो डॉक्टर एक एक अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं, और जितने बड़े डॉक्टर हैं उनकी फीस बहुत बड़ी है, वो अपनी फीस लेते हैं और सिर्फ लिख देते हैं, तो मरीज के हाथ में वो क्या देते हैं? पुर्जा। वो पुर्जा कितने रुपए का होगा? 5-10 रुपए का तो होगा, उसमें जो खर्च आया होगा वो 5-10 रुपए का होगा। फीस लिया 500 रुपया, अब फीस लेकर के 2-3 दवाएं उस पर लिख दी, अब ये उस पुर्जे को लेकर कहां जाएगा? घर चला जाएगा, उसी को चाटेगा चबाएगा नहीं, जाएगा दवा दुकान में। दवा दुकान में जाने के बाद उनका दिया हुआ पुर्जा थमाया, अब जिसके पास दवाओं का स्टॉक है उसने देखा, यहां अलमारी से निकाला, कैप्सूल निकाला, टैबलेट निकाला, इंजेक्शन निकाला और पोलोथिन में आजकल भर के दे दिया। अब जब उसने दवा दे दिया, इस्तेमाल की तरकीब डॉक्टर ने बता ही दिया था, हत्ता के डॉक्टर ने यह भी बताया था दवा लेने के बाद फिर मेरे पास आना, हम देख लें कि किस कंपनी की है, कंपनी तब डॉक्टर मुतय्यन करेगा। अगर दूसरे कंपनी की वही दवा दे दिया है तो हो सकता है कि डॉक्टर उसको रिजेक्ट कर दे और उसको न इस्तेमाल करने दे और कहे कि इसी कंपनी की दवा लाओ जहां से मिले, इस स्टॉकिस्ट को जाकर वापस करो, उसके हवाले करो, और जहां इस कंपनी की मिलती वहां से जाकर खरीदो। लेकिन मरीज जो कुछ ज्यादा ही बुकरात होगा, उसके दिमाग में खप्त सवाल हुआ, दवा लेके आया, इस्तेमाल किया, अल्लाह ने शिफा दे दिया, सेहतमंद हो गया तो अब ये सोचने लगा कि अब के बार खुदा ना करे अब के बार अगर बीमार पड़ूंगा तो उस डकैत के पास नहीं जाऊंगा। 500 रुपए ले लिए उस कमबख्ती के मारे ने और अपने बदन का मैल तक नहीं दिया, क्या चीज? पुर्जा थमा दिया। और दवा दुकान वाले ने फुल पोलोथिंग हमको दिया और लिया कुल 200 रुपए, तो वो 500 रुपए तो खा गया कमबख्ती कमाला, उसके न हमको पसीने से कोई फायदा मिला, न उसका मैल खाया हमने, न उसका कागज चबाया हमने, हमने तो खाया कैप्सूल, हमने खाया टैबलेट, हमने लिया इंजेक्शन, ये सब तो हमको दवा दुकान वाले ने दिया। अब के बार बीमार पड़ूंगा तो उस डाकू के पास नहीं जाऊंगा जो 500 ऐठ लेता है, डायरेक्ट कहां जाऊंगा?
उसके पास तो कैप्सूल भी नहीं, टैबलेट भी नहीं, इंजेक्शन भी कुछ नहीं, सिरिंज तक नहीं उस टेबल पर है। तो आपके बाल जाएगा डायरेक्ट कहां, दवा दुकान में। तो इंशाल्लाह लौटेगा अगर तो अब घर नहीं वापस आएगा, कब्रिस्तान ही जाएगा। जो इतने अकलमंद हो जाते हैं कि उनकी समझ में आता है कि यहां तो एक भी हदीस नहीं है, न कैप्सूल है, न टैबलेट है, न इंजेक्शन है, हदीसों का जखीरा तो यहां है, हम डायरेक्ट डायरेक्ट। तो डायरेक्ट का मतलब हुआ कि ईमान का जनाजा, ये खतरनाक है। अगर वो तरीका जान के लिए नुकसानदेह है और खतरे का सबब है, तो ये तरीका ईमान के लिए नुकसानदेह है और खतरे का सबब है। इसीलिए मुहद्दिसीन अहकाम के मसाइल में फुकहा की तरफ भेजते, हमसे मत मालूम करो, उनसे मालूम करो। इमाम तिर्मिजी रहमतुल्लाह अलैह तिर्मिजी शरीफ में फरमाते हैं कि अल फुकहा आलमो भी मानिल हदीस, फुकहा हदीस के माना ज्यादा जानते। इमाम आमश रहमतुल्लाह अलैह जो इतने बड़े मुहद्दिस हैं, इमाम बुखारी के असातिज़ा में आते हैं, कूफे में रहते थे, लेकिन इनकी बीवी मसला पूछने इमाम अबू हनीफा के पास जाती थी। ये अपने दौर के अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हैं, लेकिन घर में जब कोई मसला पूछने की जरूरत पेश आए तो ये कहां जाती है, इमाम। इनको बड़ा बुरा लगता था, शुरू शुरू में इमाम अबू हनीफा से इनकी दूरी थी। ये समझते थे हदीसें तो हमारे पास है, हमारे पास सारी दुनिया इल्म हदीस हासिल करने के लिए आती है, हदीस का जखीरा मेरे पास है। और उनके पास क्या है, सिर्फ कयास, कयास है, इतनी हदीसें हैं कहां, वो तो कयास है, कयास से मसाइल बताते हैं। लेकिन इमाम अबू हनीफा ही की फिका पर अमल होता था। कूफे में बेशतर लोग, चाहे वो मुहद्दिसीन के घर के लोग क्यों ना हो, वो अहकाम इमाम अबू हनीफा से मालूम करते थे। तो बीवी इनकी इमाम अबू हनीफा से मसला पूछने जाती थी, इनको बड़ा बुरा मालूम होता था। सारी दुनिया मेरे पास आती है हदीस पढ़ने समझने के लिए, और ये कमबख्ती की मारी हमको समझती नहीं है, कुछ जरा भी खातिर में नहीं लाती है। जब कोई मसला पूछना हो तो हमसे नहीं पूछती, मैं इतना बड़ा मुहद्दिस इसका शौहर घर में, आई जाती है मसला पूछने इमाम अबू हनीफा के पास। तो समझाते रहे समझाते रहे, बीवी कुछ कम समझदार थी थोड़ी, वो भी तो आखिर इतने बड़े मुहद्दिस की बीवी थी, तो कुछ अकल दिमाग लगती थी, वो जानती थी कि इनकी औकात क्या है, इमाम अबू हनीफा की औकात क्या है। ये ना अपने से समझते थे कि वो कयास हैं, लाख मना करते, जब मसला मालूम करना होता ये पहुंच जाती, अपने से मसला मालूम कर लेती। अब अनबन शुरू हुई, कदूरत बढ़ी, डांटने लपटने से नहीं, धमकी देने से नहीं। तब गुस्से में इन्होंने एक कार्रवाई किया, कहा अच्छा ठीक है, ये नशूस कर रही है, मेरी बात मानती नहीं है, तो ऐसा करो कि अब इसका खाना पीना बंद करो। बस एक बोरी आटा लाए, अल्लाह कर दे दिया, कहा देख मानती नहीं है ना, तो ये बोरी की जब आटा इसका खत्म हो जाएगा, तो इसके बाद अगर तू मुझसे मुतालबा करेगी आटे का, जबान से मुतालबा करेगी तो तीन तलाक, और लिख कर मांगेगी तो तीन तलाक, और हाथ पांव से इशारा करके मांगेगी तो भी तीन तलाक, और दूसरे से कहलवाएगी तो भी तीन तलाक। चारों तरफ से घेर दिया। अब एक बोरी आटा कितने दिन चलेगा, लेकिन कुछ दिन तो अभी चल रहा है ना। अब ये बेचारी परेशान है कि या अल्लाह आपके तो मुहद्दिस साहब का पारा इतना चढ़ गया कि हमारी जिंदगी खतरे में, अब मैं मांगूंगी अगर इनसे अपना नान नफका तो तीन तलाक, एक भी नहीं तीन। इससे मसला मालूम हुआ कि उस जमाने में भी तीन तलाक को लोग तीन समझते थे, तभी ना खतरा था, नहीं तो कोई खतरा ही नहीं था। ये भी तो कह सकती थी कि ठीक है आप तीन देंगे तो पड़ेगी कितना, एक ही ना पड़ेगी। डर तो जब था कि जब तीन को तीन समझा जाता और एक साथ दी हुई तीन तलाक को
तीन ही माना जाता। जब न डर था तो डर रही है, और मुहद्दिस साहब ने इधर से धमका रखा है तो इसका मालूम हुआ कि मुहद्दिसीन का मसलक भी यही था। इसीलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ में बाकायदा हेडिंग और सुर्खी कायम की है, मन अजाज तलाक सलास तत्लीकात सलास। ये बाब उन लोगों के लिए है जो तीन तलाक को एक साथ दी गई तीन तलाक को तीन मानते हैं, जायज मानते हैं, उनकी ये हदीस है। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बुखारी शरीफ में कोई सुर्खी नहीं बांधा उनके लिए जो तीन को एक मानते हैं। ये भी तो कहिया ये था कि तीन को तीन मानने वालों की ये दलील और तीन को एक मानने वाले की देखो ये दलील। इमाम बुखारी के जमाने तक तीन को एक मानने वाले थे ही नहीं, तो उनका जिक्र कैसे करते। मुहद्दिस आमश अपनी बीवी को बोल रहे हैं कि मानती नहीं है तू तो ये ले तेरा लाल नफका ये आखिरी है, अगर इसके खत्म होने के बाद तुझने मुझसे मुतालबा किया, जबान से मुतालबा किया तो तीन तलाक, लिखकर मांगा तो तीन तलाक, इशारा से मांगा तब भी तीन तलाक, और अगर किसी दूसरे से कहलवा कर मांगा जब भी तीन। अब ये बेचारी सहमी डरी हुई इसके पास उसके पास मसला मालूम कर रही है कि भाई अब ये पूरी आटी की खत्म हो जाएगी तो क्या मैं अपना नान नफका नहीं मांग सकती हूँ, और अगर मांगूंगी तो तलाक कितनी होगी। अब जिस आलिम के पास जा रही है सब लोग बता रहे हैं कि जहां मांगी और तलाक तीन पड़ेगी, तो कोई रास्ता नहीं, अगर कोई रास्ता नहीं अब कैसे मांगेगी, मुतालबा जबान से करेगी तो तीन और लिख कर करेगी तब भी तीन और दूसरे से कहलवाएगी तब भी तीन और हाथ पांव जिस्म से इशारा करेगी मुतालबा करेगी तब भी तीन। तो अब तो बचने का कोई रास्ता नहीं है, अब तो एक ही रास्ता है कि खत्म हो जाए बोली तो तुम भी खत्म हो जाओ। अब खत्म हो रहा है आटा, खत्म हो रहा है, अब दो तीन रोज का बच गया है, अब पूरे कूफे की खाक छान लिया इसने, सारे मुहद्दिसीन से पूछ लिया, सारे आलिमों से पूछ लिया, सबने कहा नहीं कोई रास्ता नहीं। तब इसने सोचा कि अब तो जो होना है तो होबे करेगा, तो जहां से मना किया जाता है वहां से भी पूछ ही ले चल करके। अब ये गरीब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास गई, कहने लगी मुहद्दिस साहब तो इतने गर्म हो गए हैं, इतने गर्म हो गए हैं आपके पास मसला पूछने से इतनी तकलीफ है उनको, देखिए मेरा ये हाल हो गया है और तीन तलाक मुअल्लक कर रखी है नान नफके के मुतालबे पर, और इतना सख्त रखा है कि जबान से मांगू तब भी और लिख कर मांगू तब भी और दूसरे से कहलवाऊ तब भी और हाथ पांव नाक कान से इशारे से करू मांगू जब भी। इमाम अबू हनीफा ने कहा तो इतने फिक्र की क्या बात है, का हुजूर फिकर की बात मिल रही है, मैं औरत जात अब इस बुढ़ापे में मेरा ये हशर होने जा रहा है तो फिकर की बात नहीं। कहा कोई फिकर की बात नहीं है, तलाक वलाक नहीं पड़ेगी, मुहद्दिस साहब को पैतरा बांधने दो अपना, जब खत्म हो जाएगा ना तो हमसे पूछ लेना। कहा हो जाएगा काम एकदम हो जाएगा, कभी कैसे हो जाएगा। कहा चे एक बात बता, बोल दिया उन्होंने लेकिन सोते कहाँ है, कहा घर सोते और कहाँ सोते हैं, कहा सोते हैं ना घर, क्या फिक्र मत कर अब आज खत्म हो जाएगा बोरी खाली हो जाएगी। इमाम अबू हनीफा से पूछा हुजूर तो फिर मैं क्या अपना लाल नफका नहीं मांग सकती हूँ। कहा क्यों नहीं मांगेगी, शोहर से नहीं मांगेगी तो किससे मांगेगी, शोहर ही के ऊपर तो तेरा लाल नफका है। कहा तो मांगूंगी कैसे ये ना बताइए। कहा कि मैं बताऊंगा ना, मांग भी लेगी और मुहद्दिस साहब की तलाक भी नहीं पड़ेगी। आई मालूम करने क्या करूं। कहा देखो जब घर में सोते हैं तो जब वो सो जावे तो जरा पांव वाँ पटक के बर्तन वर्तन पटक के दरवाजा वरवाजा कस के जरा भेड़ करके देख लेना कि एकदम गहरी नींद में है। जब अंदाज मिल जाए कि एकदम गहरी नींद में है तो ऐसा करना कि वो खाली बोरियां आटे वाली इजारबन में बांध देना कस के। खाली बोरी आटे की इजारबन से बांध देना और तुमको कुछ नहीं करना है, ना कोई पुर्जा लिख के देना है,
न जबान से कुछ कहना है, न हाथ पांव न कान से कोई इशारा करना है, तुम किसी तरह से मुतालबा नहीं करोगी, बस खाली खाली बोरी बांध देना इस अलबन में और तुम भी अपना आराम से सो जाना। अब जब फजर की अजान हुई, मुहद्दिस साहब उठे हड़बड़ाने धड़फड़ाने, तो पहले चले जरा सा तहारत खाने की तरफ, अब चल रहे तो देख रहे पीछे पीछे खाली बोरी भी आ रही है आटे की। अरे ये क्या, खत्म हो चुका है आटा, और क्या आटा चाहिए। इतने कुंजहन तो नहीं थे, समझ गए ना, समझ गए। अब इनको होश हुआ कि या अल्लाह ये तो मेरे से भी बड़ी मुहद्दिसा आगे निकली, हमने तो इतना घेर दिया था इसको, लेकिन ऐसा दरवाजा इसने का इख्तियार कर लिया कि अब तो मेरी तलाक पड़ने की नहीं, क्योंकि न तो इसने जबान से मुतालबा किया, न इसने लिखकर मुतालबा किया, न किसी से कहलवाया, न इसने अपने जिस्म से कोई इशारा किया, तो तलाक तो एक भी नहीं पड़ी। सर पकड़ कर आ गए, कहने लगे कि ये कोई ना कोई मामला है जरूर, लगता है कनेक्शन इसका वहीं से है। आए पूछने लगे, मसला किससे मालूम किया था तूने? कहा हुजूर सारे आलिमों से मसला मालूम किया, सबों ने कहा बच ही नहीं सकती, तलाक तो पड़ ही जाएगी हर हाल में। अब मैंने देखा कि अब जब तलाक पड़ने वाली है तो आप कितू ही नाराज हो, तो यही ना होगा कि तलाक पड़ेगी, तो अब तो कोई जान बचने की शक्ल ही नहीं थी, तो मैंने सोचा कि एक बार और वहीं से। देखिए वक्त भी असल में खत्म हो चुका है और अभी इंशाल्लाह एक दिन और बाकी है, इंशाल्लाह उल अजीज कल फिर यहीं से आगे लेकर चलूंगा आपको। आप ये मजमून याद रखेंगे इंशाल्लाह ताला, कल यहीं से बयान शुरू होगा और आप कल जरा कोशिश करें कि आज के मुकाबले में भी जरा पहले आप तशरीफ लाएं ताकि थोड़ा वक्त ज्यादा मिल सके। मेरे भाइयों कल भी मैंने किताबों का केसीटों का ऐलान किया था, आज भी किताबें आई हुई हैं और केसीटें और किताबें वहां भी हैं और हजरत मौलाना जिल्लुर रहमान साहब रहमत बरकात मोहम्मद ने जी, और देखिए एक किताब बिखरे मोती ये भी एक अभी ताजा किताब सामने आई है, इसलिए बाजौक हजरात किताबें खरीद जरूर खरीदेंगे भाई। ये हजरत मौलाना ने ऐलान किया था आयली तनाजुआत का शरी हल, बड़े जरूरत की किताबें, किताबें भी आप लेकर जाएंगे और दुआ कर ले भाई, मुख्तसर सी दुआ तो कर लो। اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتبلغنا بها أقصى الغايات وتقضي لنا بها جميع الحاجات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين